ये है राजन, एक नंबर का स्मगलर। वो बस्ती ने हेडक्वार्टर है, लेकिन बस्ती वालों के लिए उनके कलेजे का टुकड़ा। हम लोगों से बस्ती खाली कराना कोई हलवा नहीं है। बस्ती के लिए उसने पुलिस वालों को ऐसा धोया जैसे पुलिस रिमांड में धोती है। जनता के रक्षक बन के भक्षक वाला काम कर रहे हो। हम लोग बस्ती नहीं खाली करेंगे, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़। बस्ती वालों के लिए दो भगवान थे, एक ऊपर वाला, दूसरा राजन। एक काम कर, राजन को टपका डाल। लेकिन एक नेता ने राजन के पंटरों को भड़का के उसी का गेम बजवा दिया और फिर शुरू हुई एक दास्तान। चलो हमें राजन का तो गेम बजा डाले। अभी बस्ती में अपुन का सिक्का चलेगा। सिंथिल बेटा, तेरी बात में दम तो है, लेकिन राजन के भाई रुद्रा को जिंदा छोड़ के हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर डाले? ये कोई मिस्टेक नहीं किया अपन लोगों ने। अगर उसको टपका डालते तो बस्ती के लोग राड़ा कर डालते, समझा क्या? ये भूरा राजन पे जान छिड़कता था, आज उसी की जान ले डाली। ये है सेंथिल, राजन की आस्तीन का नेवला। और वो जो कोने में बैठेला ना, वो है कलेश्वर, सेंथिल का पालतू। और ये हाफ चड्डी वाला है वेलू, भूरा का एडवाइजर। अम्मा ताई जीत के आ गई तो हम लोगों का काला धंधा एकदम धड़ल्ले से चलेगा भाई, क्या बोलते? ए, बहुत बड़े हाथी को गिराया अपन ने, क्या है ना मीटर थोड़ा रिक्सी है, अगर अपन चारों झुंड में जेल गए ना तो अपने धंधे के तो रस्ते लग जाएंगे, इसलिए दो लोग जेल जाओ और दो लोग बाहर रह के धंधा संभालो। अरे बाबा, इतने बड़े पहुंचे हुए गुंडे को टपका देना कोई हलवा नहीं है, उसका कौन सा प्यादा कब मात दे देवे पता ही नहीं चलता। कलेश्वर, मैं थोड़ा माल कमा के तुम लोगों की बैल करा लेंगे। वेलू, सेंथिल ने भूरा और वेलू को मामू बना के जेल में जमा करा दिया। टट्टू बने ले। भूरा, बाप का नाम? रघु भाई। भूरा और वेलू सेंथिल पे विश्वास करके जेल चले गए कि वो जमानत कराएगा, लेकिन एक साल हो गया है दोनों उधर ही सड़ रहे ले। ये है मणि, जो कभी राजन का खासम खास हुआ करता था। सेंथिल अपनी सफाई देने के वास्ते भूरा और वेलू से मिलने जेल आया। तुम लोग को ऐसे अंदर देख के ना कलेजा फटता है अपन का, अपन क्या करेगा, वक्त खराब चल रहा है। खामोश बैठ, ये मुन्नी भाई का कोठा नहीं जेल है, जेल। तू ही डेढ़ बन के बोला था कि जमानत कराएगा, अगर जमानत नहीं दिया तकलीफ में आ जाएगा तू। हे कलेश्वर, ये अभी भी अपने को पहले जैसा लुक्खा समझ रहा है, इसको मालूम नहीं अपन ने कितना ताकत बढ़ा ली एक साल में। ए शने, अपने पंटर भी अंदर ही बैठे ले, अपन के इशारे पे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, समझा? सेंथिल, तेरी जिम्मेवारी पर ये लोग जमा हुए थे, आपस में गद्दारी करेगा तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा, समझ रहा है? क्या ना, गवर्नमेंट अभी अपन के फेवर में नहीं है, अपन अंदर से खोखले हो गए ले, क्या था अपने के तेरे को समझेगा नहीं, और घाई क्या है तेरे को, अगले इलेक्शन तक अपन सेटिंग करेंगे ना। हाँ, एक साल से हम लोग इधर तफलीक में है, मच्छर लोग ने काट काट के सोजा डाली है। बाहर धंधा करना इतना हलवा नहीं है, तुम लोग इधर आराम से पैर पसार के चिकन मटन दारू पेल रहे, वो भी सरकारी माल पे। छाने तो तू अंदर आ जाना, हम लोग बाहर निकलते। क्या भूरा भाव, क्या तोते की तरह एक ही बात का रट्टा मारेला है, आजकल गरीबी इतनी है कि फंटर लोग 100 की पत्ती और क्वार्टर में गेम बजा डालता है, और ऊपर से कॉलर ऊपर करके बोलता है कि डॉन को अपन टपकाईला है। ये अपन के मैटर में बोलना मत। उनमें बंटवारा हो गया, एक सेंथिल गैंग, दूसरा भूरा गैंग। यह है रुद्रा, राजन का छोटा भाई। उस दिन अपन का भाई मारा गया, फिर भी अपन ने सबर का घुट पिया, अपन चाहता है कि तुम लोग अंगूर के गुच्छे की तरह मिलजुल के रहो। ए सेंथिल, इनकी बेल करा दे। भूरा, छूटने के बाद कोई पंगा नहीं। रुद्रा के बोलने पे सेंथिल ने इन लोग की बेल तो करवा ली थी, लेकिन इन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जबरदस्त नफरत पैदा हो गई थी, ऐसी नफरत जैसा सांप और नेवले के बीच होती है। पान दिखावा ऐसा करते थे जैसे एक दूसरे के बीच में लैला मजनू माफिक मोहब्बत है। सन 2000। उस सीन शॉट के कई साल बाद आज इस जेल में नया जेलर आया है। सर, ऑल पुलिस पार्टी प्रेजेंट। मैं नहीं जानता पहले तुम लोगों ने कितना झोल किया, लेकिन अब से सारे झोल झपाटे बंद हो जाने चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि आदिवासियों का तीर सीधा आके घुसेगा। आज के बाद यहाँ चरस, गांजा, कुछ भी अंदर नहीं आना चाहिए, और अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत लेते पकड़ा गया तो उसका सरकारी गोली से एनकाउंटर मैं खुद करूंगा। मेरी बात को तख्ती पर लिखकर अपने गले में लटका लो। सर, सर, इस जेल में ड्रग्स की सप्लाई एक ही आदमी करता है, सेंथिल। ड्रग्स को अंदर लाने और उसे बेचने में उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। संभाल के करने का। जेल के कैदी और सभी पुलिस वाले, यहाँ तक कि डॉक्टर भी, सब उसके टुकड़ों पर पलते। जेल में सेंथिल के हुक्म का इक्का है दास,
सारा माल जेल में सुरक्षित पहुंचाना और उसे बेचना ये उसी के हाथ में है। ये सारा काम वो बहुत ही सफाई से करता है। सेंथिल के लिए जेल में सेलफोन, सिम कार्ड, ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला उसका खास आदमी है राजू। राजू सेंथिल के इस काले धंधे का एक मोहरा है। जेल से सेंथिल करीब 2 लाख रुपए हर दिन कमाता है, जिसका अड्डा जेल के 7वें ब्लॉक में है। ब्लॉक के सारे कैदी उसी के लिए काम करते हैं, उन्हें किसी से कोई डर नहीं। ये जेल नहीं बिजनेस का जगह है, समझा? तू चाहता कि तेरी बीवी बेवार बच्चे यतीम हो जावे? जो भी ऑफिसर उसके ब्लॉक में छापा मारता है उसको जान से मार देने की धमकी मिलती है। उसके ब्लॉक में कदम रखने से भी लोग कांपते हैं। अभी के लिए माफी करके छोड़ दे, अगले टाइम पे आएंगे तो सबको इधर ही काट के फैला डालेंगे। सेंथिल के हुक्म के बिना वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हालांकि सेंथिल जेल से निकल सकता है, पर वो जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि बाहर उसका दुश्मन है भूरा। उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। भूरा के पीछे जिसका दिमाग है वो है वेलू। वेलू का भाई है शिवा। ये लोग जमीन हथियाने और अपना कानून चलाने के साथ साथ ट्रेड यूनियन को भी कंट्रोल करते हैं। नहीं मिलेगा तो तुम लोग की बेटी के अपना मैटर अपने पास रख और निकल ले इधर से। देख फोन कब से टिर-टिर कर रही है, उठाना। हेलो, कब? शुभारंभ हो गया, बेटी किडनैप हो गई। पापा गुड़िया स्कूल में नहीं है। न्यायदान समझ के हफ्ता दे दो, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। और अगर सेंथिल के पास गए तो तुम्हारी फैमिली से हर हफ्ते एक आदमी कम हो जाएगा। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सेंथिल जेल के 7वें ब्लॉक से कभी नहीं निकलता। अगर वो वहाँ से निकलेगा तो 11वें ब्लॉक में उसकी ताक में बैठे भूरा के आदमी उसे मार देंगे। उनकी आपस की दुश्मनी तब शुरू हुई थी जब इन दोनों ने मिलकर एक कत्ल को अंजाम दिया था। एल्यूमिनियम के बर्तन, चम्मच, चिमटा और टूथब्रश, इनसे उन्होंने हथियार बना लिए। 11वें ब्लॉक में भूरा के आदमियों को हैंडल करता है मनी। मनी राजन के वक्त से ही इन सब का गॉडफादर है सर। इन दोनों की लड़ाई को जेल में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब इस जेल में मेरी मर्जी के बिना चीटी भी नहीं घुस सकती। अलग अलग जगह हुए क्राइम के तार एक ही जगह जाके जुड़ रहे थे और वो जगह थी जेल। नाम बोल। शंभू। राजन की मौत ने शंभू को अंदर से खोखला कर डाला था। चल अगला कैदी। ए तू इधर आ, टी-शर्ट निकाल। सर नमस्ते। सर कौन से केस में? इन दोनों ने हाथापाई की। जिस पुलिस वाले ने बीच बचाव किया उसकी धुलाई कर दी। सही किया बाप, अच्छे से ठोक डाला। बहुत चर्बी चढ़े ली थी उसको। ए तो अपनी जोज बंद कर, नहीं तो जम के अपना चेकिंग हो गया। जाए एक बार फिर से चेक करा, सुना नहीं? अरे दुखता है घड़ी घड़ी। क्या था? शिवा। बाप का नाम? सन्मोखन। ए किधर रहता है तू? कंजारवाड़ा। चल साढ़े तेरे को जेल में फोड़ता हूँ। किस केस में अंदर आ रहे तू? साहब बीवी का मर्डर कर दिया सर। अरे चिल्ला क्यों साहब? दुश्मन लोग के साथ मत भेजो ना, खतरा है। अंदर डरता क्या, जेल में निपटाएंगे इसको। ए शिवा चल अंदर। ये चल रे, तू भी चल अंदर, मच नहीं मांगता है भाई। ये शिवा जेल में अपन के साथ है, डर लग रहा है। सेंथिल के लोग अपन की जान के दुश्मन है। राजू को शिवा से खतरा है साहब। साहब मेरे पर एक एहसान करो, मेरे को इन लोग के साथ मत भेजो। ए एक रात चुपचाप निकाले, कल भेजेंगे ना तुझे। तू कोई रसमलाई नहीं जो तुझे खा जाएंगे। सेंथिल के नाम से उसके गले में आगे ले, कहीं रात को ये खर्चा ना हो जाए। लालचट इधर। क्या रे नया भर्ती है क्या? क्या केस बना है? वही मार्केट। जैसा कॉलेज में रैगिंग होता ना वैसा इधर भी रैगिंग होएगा, तैयार रहने का, समझा क्या? मेरे घर वालों को मालूम है क्या इधर बड़े घर में आया है? हाँ भाऊ मालूम है। अपने को थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, अदरक वाला चाय पिलाने का, मस्त एकदम। तूने अपन की जान बचाई, मतलब तूने अपन को अपना कर्जदार बना लिया है। उसकी जिंदगी का खाता अपन ही क्लोज करेगा। इस जेल में दो बड़े बड़े गैंग है, एक का नाम है सेंथिल और दूसरा है भूरा। ये लोग जो आ रहे हैं ना, वो भी सेम टू सेम अपन की तरह ही सेंथिल के कार करता है। और वो शिवा, वो भूरा का चम्मच है। साहब लोग शिवा का मस्त मसाज कर रहे। तूने अपन की जान बचाई है, अब भूरा के आदमी तेरे को ठोक डालेंगे। पर डरने का नहीं, अपन सेंथिल दादा से बात करेंगे ना। 2 महीने की यहाँ कोई परेशानी चिलगोजा दिख रही है ना, उसी ने राजू को बचाया। वो ब्लू शर्ट में वेलू है, शिवा का बिग बिरादर। जेलर को बोल वो अपने ब्लॉक में चाहिए। ठीक है भाई, लगता है तेरे को अपने ब्लॉक में ले जाएंगे। कंचा साहब तेरा ट्रांसफर हो गया तो गया तू? हाँ साहब। वो लोग शंभू को अपने ब्लॉक में चाहते हैं। शनमुखानंद हाजिर है सर। राजू रेजेंट साहब जिधर भी जाएगा संभल के रहना, अपन तेरे को वापस लाने की फुल कोशिश करेगा। ठीक है, तुम सब लोग 7वें में, बाकी 11वें ब्लॉक में जाओ। यहाँ से शंभू की नई यात्रा शुरू हुई। ऐसी यात्रा जो किधर जाके खत्म होएंगी ये उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम। शंभू के अंदर एक अंगार दहक रही थी। उसे भूरा के ब्लॉक में डाल दिया गया। बेचारा गांधी बनने गया था, फंस गया। दास सेंथिल दादा से बात करके उसको अपने ब्लॉक में ले डाल। ठीक है। ए प्रवेश कर, चलना। एक हजूर हट, आजो।
अरे वेलू भाई, अपना शिवा कैसा है? अरे मजे में, अस्पताल से आ जाएगा कल। भैया हुआ कैसे लेकिन? सब ये खजूर की वजह से हुआ है। क्या आंखों में बैठेगा? चल चल के दिखा। ये खजूर, चल आजा, आजा अंदर, चल आजा आजा। मणि भाई, वो बताया था ना लड़का, यही छे। फोन करता है। नाम क्या है? शंभू भाई। अपन का भाई सिवा इसी की वजह से तफलीक में, इसी की वजह से सिंथल का गुर्गा बच गया। मन करता फोड़ डाल। रुक रे संपत। जी भाई। कल तेरी बेल हो रही ना? हाँ भाई। वेलू, संपत की जगह इसको खिदमत पे लगा दे। देख खाना अच्छे से पकाना सीख ले, अगर भाई लोग को खाने में टेस्ट नहीं मिला ना तो तेरा टेस्ट निकाल देंगे। Hi Jack. Hey Shampad. How are you? I'm good. This my friend Shambhu. Hi man. Now he khana cooking. You? Usual? Nahi. You eat meri taraf se. Kal se holiday. Sir, hamare idhar aa gaya na. Hey Amit. Nariyal phod. Sharab. Agar ye nariyal mandir mein phoot gaya hota to. सुन शंभू, नया जेलर बहुत खड़ूस आदमी है, संभल के रहने का, समझा ना? समझ गया। और एक बात सुन, अगर कोई तुझसे मिलने आया ना तो उनसे मिलने की रिश्वत लेने का, बोलने का बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट या पंडरपुरी तंबाकू लाने का, तेरे लिए नहीं रे, भाई लोग के लिए। अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तो भाई लोग तेरी बहुत वाट लगाएंगे। ये मारिया भाभी को दे देना। ये तो वजन में बहुत हल्का है रे। अरे नया जेलर आया है। अरे साहब अनाज को लात मार ले, कसम से आपको पाप लगेगा साहब। तो अनाज में ड्रग्स लेके आया क्या ये? आज के बाद जो कुछ भी आएगा पेटिशन रूम में चेक होगा, और जो भी मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा उसकी वर्दी उतार के कैदियों का टॉयलेट साफ करवाऊंगा, समझे? भाई जेल में कोई अपुल लोग की टिप दे रहा है, इसलिए पांडु लोग अपने पीछे पड़े हैं। जब कैदी लोग को ड्रग नहीं मिलेगी ना तो वो जेलर को डंडा करेंगे, तब भी अकल ठिकाने आएगी। आहिस्ता आहिस्ता नेता लोग ने भी सेंथिल के केस से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। जेल के बाहर आप कितने भी बड़े थुर्रम खा क्यों ना हो, जेल के अंदर आप एक नंबरकारी बन के रह जाते हैं। इधर हर काम खुद ही करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा और डाल दे। तशरीफ पे डंडे पड़ते हैं। कम डाल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बस बस अच्छे से सेवा कर, लास्ट दिन है तेरा। जेलर से बात किया, हो जाएगा। भाई ये संपत कल जेल से चंपत हो रहा है ना, तो इसका फेवरेल पार्टी कर दो ना, बेचारा खुश हो जाएगा। जा उधर से पानी ले और टॉयलेट साफ कर डाल। सुना ना, एकदम क्लीन करना। संपत इधर आ। हाँ हाँ भाई। घुटनों पर बैठ, फेयरवेल पार्टी चाहिए तेरे को। वो कल जा रहा था तो सोचा पार्टी ले लूं। नहीं दे। कब चाहिए पार्टी? अभी दे दो। जाने पार्टी। झूठ मत बोला कर, झूठ बोलने से पापों का घड़ा भर जाता है। ए झिंगूर, पैखाना धोते वक्त तो धागा मत तोड़ देना, अंदर मोबाइल लटका के रखे लाए, अगर वो गया तो तू भी गया। ए, ए, बाहर निकलो, चलो। क्या हुआ सब? चलो बाहर निकलो सब लोग। हाँ ठीक है। मनी फोन निकाल, शर्ट चल जल्दी कर। फोन और डायरेक्ट सेंथिल के ब्लॉक में मिलेगा साहब, लेकिन हमें टिप मिलेगी, तेरे पास फोन है। इधर सब शरीफ लोग रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। देख बुढ़ो, इज्जत से दे दे, वरना हमें पता है कैसे निकालना है। आप उनको मालूम है फोन किधर है? तो लेकर आ। उसको लेकर आओ। तू नहीं रहे, ए तू चल। पर साहब फोन इसने दिया है, इसको ले जाओ ना। कहाँ है तू? किलपक। वो लड़का कहाँ है जिसने हमें फोन दिया था? सर मुझे लगा था आपने इसे बुलाया। ये वो नहीं है, उसे लेकर आओ जल्दी। जिस जिसने मारा है सबकी तबीयत से धुलाई करो, ले जाओ। शंभू के जेल आने की वजह यही केरम का खेल है। शंभू केरम का माहिर पीलेर है, बोले तो
चैंपियन है। लोग पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करते हैं, इसने कैरम में इन्वेस्ट किया। आज से 9 साल पहले लोग उस पर बहुत बाजी लगाते थे। शंभू को पहली बार सिवाई जुए के खेल में लाया, वही सिवा जो उसको आज मारने की धमकी दे। अरे अपन का दोस्त कैरम में पीएचडी खेला है लेकिन उस पे कोई शर्त ही नहीं लगाता है। अरे वाटा ना, अपन अपने दोस्त पर बाजी लगाएंगे, सबको कंगाल करके जाएंगे। शंभू तो लोग की रमच पर ध्यान मत दे, क्वींग पर ध्यान दे, क्वींग पर। शंभू को कैरम का चैंपियन बनाने वाला राजन था। राजन अपनी बस्ती वालों के लिए किसी से भी भिड़ जाता था, इसके लिए बस्ती वाले उसको अपना भगवान मानते थे और उसकी एक आवाज पे औरत क्या मर्द क्या सब मरने मारने को तैयार रहते थे। उसके इलाके के सारे बच्चों का सबसे बड़ा हीरो राजनीश था। उसके सामने रजनीकांत जैसे एक्टर लोग भी पानी भरते थे। राजन जो कहता बच्चे वोइच करते। तीर की तरह निशाना लगाने का। गांव के लोगों के लिए कैरम क्लब बनाने वाला भी राजनीश था। ये कैरम क्लब अपुन ने तुम लोग के वास्ते स्टार्ट किया है, इधर किसी भी चीज की मनाही नहीं है, बिंदास खेलने का, बैट लगा के। अगर पुलिस आके कोई कानूनी करती है ना तो उसको कान के नीचे दे के वटाने का। पर जो लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ो, जो नहीं पढ़ना चाहते हो खेलो, बॉक्सिंग करो, कुश्ती करो, बॉडी बिल्डिंग करो। अगर इसमें इंटरेस्ट लिया तो तुमको इसके जैसा स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो फॉरेन जाने को मिलेगा। फॉरेन में नौकरी करके जब उधर का पैसा इधर आएगा तब अपन के गांव का नक्शा बदल जाएगा। क्या बाहर का लोग सब खाऊ खुजाऊ है, ये बात भेजे में घुसा लो, अपन को ही गांव का सोचना पड़ेगा। राजन बोलता था कैरम खेलोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, और तभी से शंभू इसी उम्मीद में आज तक कैरम खेल रहा है। शंभू के ऊपर अपनी राड़ो घड़ी लग गए बाप, कैरम चिकना नहीं है तो और पाउडर डालू क्या? ये शंभू राड़ो का सुन के टेंशन मत ले, बीपी मत बढ़ा, आज तक कभी हारे क्या? ये घमुरी खुजली काय को कर रहा है, प्लेयर डिस्टर्ब हो रहे ना। अपुन को खुजली का आदत है, बाद में खुजा। क्या चैंपियन के आगे बच्चे को बिठा दिया है? बच्चा किसको बोला? रुक तेरी आने वाली नस्ल खराब करता है। जाने देना, क्या कर रहा है? अपुन संभाल लेगा। ए हार गया घमुरी, चल चल अब जा, जितना जाके खुजाने का खुजा चल। हेलो की बोलछो, टपका डाला क्या हुआ? अरे राजीव गांधी को उड़ा दिया। अरे कौन राजीव गांधी? अरे अपना प्रधानमंत्री रे। ओ, उड़कर अब तक कहाँ पहुंचा होगा? बहुत बार जीता रे बाबा। अरे राजीव गांधी को उड़ा दिया। कौन रे? हर जगह लूटपाट मचा है, एक एक बोर्ड और खेलेगा। गल्टी मारो, रूम खाली करो, चलो। शंभू अगर हवा का स्टॉर्म आएगा ना तो उड़ जाएगा, लेकिन केरम में ना तू सबको उड़ा देता है। अरे ऐसे ही बैटिंग करते रहना, तू बहुत कमाएगा तू। अरे सोने का स्ट्राइकर होएगा तेरे पास। भाई को पता चलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अपन जुआ खेलता है, वो चाहता है कि अपन स्टेट लेवल का तैयारी करे। अरे इतना गलत होता जुआ तो सरकार लाठरी काय को निकालती है। बोल हा? ये ले चाय खारी का। अरे ना भाई। अरे रख रहे चोर पास में। थैंक यू। अरे भाई ये लूटम लाठी काय को चल रही है। अपने देश में ऐसा ही चलता है, मरता कोई और है, भरता कोई और है। ये तोड़ रहे, ठीक से तोड़, चल। प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है, इसके लिए ये लोग लूटम लाट मचा रहे। तोड़ना मत, बोल देता हूँ, ठीक नहीं होगा। देख राजीव चचा के जाने से इन लोग का फायदा हो गया। ए सरियादे मैं तोड़ेगी। ए शंभू इधर आ रे, मेरी औलाद इधर आ, तेरी माँ बुला रही है। अम्मा बुला रही है। आज की माँ के दूध का कर्ज अदा करने का टाइम आ गया, चल जल्दी कर दुकान तोड़। क्या कर रही है? आज तक तो एक ढेला कमा के लाया नहीं, मौका अच्छा है लूट लेना। अरे माँ चोरी से भगवान क्रोधित होता है। माँ अरे चल भगवान का नाम लेके लूट। अबे इतना सामान तो तेरे दहेज में भी नहीं मिलता मेरे को। माँ ये सिलाई मशीन का वजन आपसे भी ज्यादा है। छोड़ रे। अबे ये क्या मियाँ भाई के औरतों की तरह निंजा बन के आई लाई तू? हाँ एक बात याद रख, ये कैरम खेलने वाले का हाथ है, एक पड़ गया ना तो सीधा पॉकेट में। छोकरी के शर्ट का बटन क्या टूटा, शंभू के मन में लड्डू फूटा। तेरी टिकली किधर है? क्या रे तेरे को अपन मरद दिख रहा है? तेरे को मेरा ये कटीला बदन और ये स्कर्ट नहीं दिख रहा? अच्छा स्कर्ट है क्या? अपन को लगा लूंगी है। फोड़ डालेगी। बटन डाल दीजिए, बाद में टांग लेना।
अब ये चोरी का माल नहीं है, मेहनत का माल है। देख कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अपुन को मसाला पीसने वाला मिक्सर मिल गया बाप। अपुन कल इसमें गन्ने का जूस पिएगा। सही बोला बप्पू, अपने को मिला माइक्रो ओवन, कल इसी में चवन करेगा। अरे माँ, ये धोबी लोग का वॉशिंग मशीन गली में से घुस भी नहीं रहे। अच्छा माँ, वो जो सिलाई मशीन तूने ढापा था ना, वो एक लड़की अपुन के हाथ से छीन के भाग गई। तेरे को उसने जरा सी झलक दिखा दी होगी और तू मशीन लेके आ गया। मशीन के बदले उसने कुछ दिया कि नहीं तेरे को? क्या यार, पूरा 10x10 का झोपड़ा सामान से भर गया, मशीन का क्या करती? सिलाई मशीन से अपनी फटी जिंदगी में पेबंद लगता। ला मेरे को दे। ए बसंती, कावेरी के बेटे को देख, अपनी माँ के लिए सारी ऐसो आराम की चीजें चोरी करके लेके आया है, और ये मेरा उल्लू का पट्टा। इस उल्लू जैसा कैरम चैंपियन अखा बस्ती में नहीं है। तो बैठ के कैरम की गोटी खाऊं क्या? अरे तेरा बेटा हीरा है रे माधुरी। देश में गुस्से का माहौल बन गया है, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। ये ले, सुनार के पास जाके अंगीठी बनवा ले, कैरम से कमाया हुआ पैसा है। और वहाँ का माल लूटा, इज्जत से सामान वापस कर दो, नहीं तो वो दुकानदार तुम लोगों पर केस ठोकेगा और हमको मजबूरन तुम सबको ठोकना पड़ेगा। अपुन राजीव गांधी का बहुत बड़ा भक्त था, रात से अपुन एक बूंद नहीं पिया, ऊपर से तुम लोगों ने ड्राई डे बना दिया। अरे अपुन तो अपना लीवर भी राजीव गांधी को भेंट कर देता, और तुम लोग अपुन को चोर समझता है? अरे जाओ ना साहब, ये शरीफों की बस्ती है, पहले इसके घर की तलाशी ले। क्या साहब, यहाँ पे गरीब लोगों पे दबदबा दिखा रहे हो? अगर गुर्दे में इतना ही दम है तो बॉर्डर पे जाओ ना, फौजी बनो। ये टाइम खोटी कर रहे हैं, वापस कर रहा है। तुम लोग चोर लोगे क्या? मैं तो चोर की मैयत में भी नहीं जाती। चल घर चल, ढूंढने के लिए साहब, मैं तो बोलता हूँ रुद्रा भाई को बुलाते हैं क्या? हाँ बुला ले बुला ले। रुद्रा राजन का छोटा भाई, राजन के टपकने के बाद अखी बस्ती का किंग वॉइस था। अपन को मालूम है कि कल रात जो दुकान लूटी ना, वो तुम लोगों की कारस्तानी है। शरीफ बनने की एक्टिंग बहुत हो गई, चुपचाप सामान लाके दे देने का। वो क्या है कि तुम लोगों ने जो दुकान लूटे लाना, वो अपन का झूठ है। क्या चिंदी चोरी करके बस्ती और अपन का नाम खराब कर रहे हो? चोरी का माल किसी को हजम नहीं होएगा। चोरी के टीवी में फिल्म देखने से आंखें सूज जाती है। ये जिम का डंबल उठा हुआ है, चलो बाहर निकलो। ये औरत लोग का जिम खाना तो घर पे ही है बाप, कितना वजनी है ये। अपुन तो बोलता है डब्बे में पत्थर रख के वापस कर देते हैं भाई। क्या रे शंभू, वो अपुन अम्मा के भयकावे में आ गया। हाँ चल रख दे। इसने अपुन की नाक तोड़ी है, अपुन इसका कंप्लेंट करेगा। रुक अपुन देखता है। पहले अपन को बताइए क्या फिर छोड़ेगा? अरे फिल्टर है पानी का। क्या करेगी इसका? अरे इसमें बैठ के नहाएगी और उसी पानी को फिल्टर करेगी। अरे छोड़ना, तेरे को मालूम है ना अपना बस्ती में पानी का कितना शॉर्टेज है, तू भी इसी में बैठ के नहा लेना। अरे बुढ़िया चल। अरे ये कपड़ा धोने वाली मशीन है, फेस वाला पानी पिएगी। क्या भाई सब सामान आ गया ना? सब आ गया, खाली सिलाई मशीन कम है। ओ साहब चलता है। हां ठीक है। ए छोटे जल्दी जल्दी पैर चला, ए शंभू को मिलने बोल। रुद्रा ने तेरे को घर पे मिलने का क्यों बुलाया रे? पता नहीं रे, उसके घर का रॉकेल खत्म हो गया होगा तो राशन की लाइन में लाइन लगाने के लिए बुला रहा होगा। शंभू ये गुंडे लोग की गुलामी करने से अच्छा एक कुत्ता पाल लेते हैं। हाँ यार कंटाल गया हूँ रे, आईला पासपोर्ट होता ना तो सुमालिया बिमालिया चला जाता। रुद्रा भाई अपन को याद किया क्या? तारा इधर आ, अपनी माँ को पूजा के लिए फूल दे दे। वो दुकानदार तेरे ऊपर केस ठोक रहे ले। भाई सामान तो वापस कर दे। बोलता है कि तूने उसकी एक सिलाई मशीन ढाप ली है। रुद्रा भाई ये टेलरिंग का कोर्स थोड़ी कर रहा है, सिलाई मशीन माचड़ी करके ये क्या उसमें धागा डालेगा? मशीन तो खाली एक बहाना है रे, वो चोरी वाली रात को उसका नागपुर फोड़ा था ना तो वही ठसन निकाल रहा है वो। तो माफी मांग के मांडवली कर लेना, नहीं तो मामला जिगम की तरह खींचेगा। तो फिर उसको भी बोल दो ना कि मेरी माँ को आगे सौरी बोल दे। काय को रे? अरे भाई उसने अपन की माँ को धक्का दे दिया तो अपन भी तो उसके कोख से आया ना, अभी माँ का कर्जा उतरने के लिए अपन ने उसकी माँ बहन कर डाली। अगले सोमवार को किरम का टूर्नामेंट चालू हो रहा है, केस फिट हो गया ना तो अपनी जिंदगी की कॉइन का कवर कभी ले नहीं पाएगा। ठीक है तो जाके उसको मशीन वापस कर डालेगा। हाँ जा। ए शिवा। हाँ रुद्रा भाई। ये लड़की को थोड़ा डेढ़ छाना बना दे। हाँ भाई हो जाएगा, कोई टर्बल नहीं आना चाहिए, कोई कंपलमेंट नहीं आएगी। क्या रे बहुत शॉपिंग कर रहे? अरे नहीं वो भूरा का भाई शंकर, इसको गुंडा बनने की बहुत तमन्ना। वो दुकानदार हटेला अपन उसको जानता है, एक बार 2 रुपल्ली के चक्कर में उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था। इससे पहले कि वो तेरे पे कोई केस फिट करे, ये ले जाके घुसा डाल और मर्डर केस में अंदर चला जा, दबदबा बनेगा रे। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों फट गए? तेरे को मालूम है क्या, इसी यम्मा में ये चाकू आराम करता है, कभी रात बिरात जरूरत पड़े ना तो बिंदास चलाना। स्ट्राइकर चलाने वाले हाथ किधर ये सब चलाएंगे, तू जा हम लोग हेल्प करेंगे तेरे को। ठीक है भाई। ए शंभू इतना ऊपर चढ़ने तेरे को कौन बोला रे? हाथ छुटा ना तो एकदम ऊपर चले जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ बीमा करा लेते, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
और वैसे भी तेरे को वो लड़की कौन सा दिखने वाली है? द्रुबिंदर, ये दूरबीन मस्त चीज है रे, किसी के भी घर में घुस सकता है। अभी तो वो मशीन चोर अपने को पक्का मिलेगी। ए शंभू, कोई ऐसा घर ढूंढ ना जहाँ कोई मस्त हिंदी पिक्चर चल रही हो, थिएटर का पैसा बच जाएगा। जब तेरी उससे पहली बार मुलाकात हुई थी तब वो निंजा में थी ना, तो क्या हो गया, पहचान लेगा? एक अंदर की बात बताऊं क्या, उसकी शर्ट का टूटेला बटन अपन के पास है। अरे कपड़े सुखा रही है बाप, कल्लू चाय वाले के पीछे ही रहती है, लेकिन टूटा हुआ बटन कंफर्म हो जाए तो। अरे यही है बाप, अपुन की याद में अभी तक उसने बटन नहीं टाकेला है। ए शंभू लाना, अपुन भी देखेगा। बिना दूरबीन के तेरे को कुछ दिख रहा है क्या? नहीं रे। तब तो वो सुरक्षित है बाप। सही है बेटा। ए भाई दिखा ना, अपुन को भी देखना है बाप। अबे तेरा बाप तेरा ड्राइवर है ना, इज्जत से मशीन वापस कर देने तो उसके ट्रक का टायर पंचर कर देगा अपुन। पता नहीं तू किस मशीन की बात कर रहा है। देख अपुन एक इज्जतदार नारी है, अगर तुम लोग के साथ अपुन को कोई बात करता देखेगा तो अपुन की शादी के वांदे हो जाएंगे। ए भाई कंफर्म में वही लड़की है ना? अरे 100% यही है, देखा नहीं उसका बटन टूटेला है? अपुन ने भी देखा। अबे मशीन के बारे में पूछना चल। ए दो छोटी, इज्जत से मशीन वापस कर दे नहीं तो तेरी साइकिल छीन लेंगे। उनकी इस एरिया में बहुत इज्जत है, अपुन की इज्जत की फजीती मत कर। गली में बिल्ली शेरनी बन रही है, मोहल्ले से बाहर निकल रहे सारी हवा निकाल देंगे। ए चिंदी चले मत करना, तेरी फ्यूचर भाभी है वो। भाई लेकिन अपुन एक बात बोलेगा, इसको बर्तन धोने वाले काथे से घस घस के निलाएंगे ना तो चमक जाएगी छोकरी। चल मान लेते कि तूने मशीन नहीं चुराई, अपुन को तेरे झूठ पे यकीन आ गया, लेकिन तू डर के वहाँ से कल्टी क्यों मारी? यार झिंगुर, चक्कू माफिक जवान चल रही तेरी, अत्तड़िया निकाल के हाथ में दे दूंगी, चल निकल। बचन दे रही ली बा, बटन वापस कर और निकल ले। अपुन ने तेरी पुष्टि कर ली है, मशीन वापस कर। कैसा पहचाना तू अपुन को? अरे वो अपुन नहीं बताएगा। अपुन का थोबड़ा देखा था क्या तू? देख अपुन ने थोबड़ा देखा था या थोबड़े के नीचे देखा था वो बात छोड़ दे, लेकिन तूने मशीन वापस नहीं करी ना तो तू बहुत ट्रबल में आ जाएगी। अपुन के भेजे में ना खलबली मत मचा, परसों एक छोकरे की टंगड़ी पे वार मारी थी मैं, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है वो। हाँ ए अपन आए क्या? अरे राका भाई अपन सब संभाल लेगी, अंगूर के दाने हैं, उंगली से दबाएगी तो रस टपकेगा इनका, इधर ही के हैं। नहीं नहीं चक्कू मत दो, हाथ ही काफी है। हाँ हो जाएगा क्या रे डांबर? क्या कुछ नहीं दीदी, मैं कब से इसको समझा रहा हूँ की आप शक्ल से भोली है, चोर नहीं। भेजे में घुस गया इसके, अपने डांबर फ्रेंड से कुछ सीख ले। ए दो छोटी, तू अपन को हुल झपट देगी तो अपन इधर से वटक जाएगा क्या? देखो मशीन वाले ने ना अपन के ऊपर केस ठोक डाले है, अब ये चिंदी चोरी के केस में अंदर जाके ना अपन को नाम नहीं खराब करने गए, मर्डर केस में जाएगा। अरे बाप रे, अटक आते आते बचा, चल वटक काट डालेगी, पद्मा बोलते बंदी को। ए सिवा वो मशीन चोर छोकरी मिल गई तो उसको बोले इज्जत से मशीन वापस करे। अरे बोला मैंने, लेकिन वो वापस ही नहीं कर रही है। तेरे को हुलपट्टी दी क्या? हाँ। वो छिपकली दिखने में कैसी है? वो शक्ल से बहुत ही अच्छी और कपड़ों से गरीब लग रही थी भाई। अरे राखपट्टी देने का ना कितनी बार सिखाया मैंने, मैं होता तो मशीन तो देती, बागीचा घुमाती अलग। आप उनका नाड़ा थोड़ा ढीला है, खुद ही चल के बात कर लो ना। ये छोटे यम्मा निकल चल, हम लोग गाड़ी से जा रहे, तू साइकिल से। भाई मैं गाड़ी पे बैठू क्या? क्या कंधे पे लटकेगा? किधर खाने वाले हाथ की तरफ, धोने वाले हाथ की तरफ? क्या तेरी यम्मा बहुत भुरभुर कर रही है, रुक। इधर है छोटी, वो दो छोटी वाली। अरे निशानी बोलना। अरे जिसने फूल वाला लुंगी पहना है। अरे इसके साथ तो अपना घर बसाने का प्लान है। गुस्सा गर्मी मत कर, जा प्यार से मशीन मांग। अपुन को तो उसको देख के गुस्सा आ रहा है। अरे तो अपना वलवली को ठंडा करके बात करना। देख मशीन मांग, अगर नहीं बोली तो प्लीज बोल के पैर में गिर जाना। जा तू भाभी, मेरा मतलब है लड़की से बात कर। अरे भाई उसको चमाट बिमाट दो ना। अबे उस लड़की का बाप लॉरी ड्राइवर है, जो भी लड़की छेड़ता है ना वो उस पे लॉरी चढ़ा देता है। ये लोग तो फट्टू निकले। दोनों को कौन बताए कि वो तेरा वन साइडेड प्यार है। बड़ी बातें, बिरयानी मांग के। ए सूखे हुए छुआरे, तू इधर काय को खड़े ला? ए रास्ता तेरे बाप का है क्या? इधर ही छड़ा रहूंगा मैं। अरे तेरे टुकड़े काट के ना मैं होटल में भेज देगी, मशीन नहीं देगी क्या करेगा तू? रख ले वो मशीन, उसी से अपना कफन सिलवाना है। ये चंद्रा मरूम राजन की बेवा। और क्या क्या चोरी हुआ? और ठीक है। ए चुप कर, कान मत खाओ। इधर का एक आई चंद्रा, चिट फंड भरा था रमेश अन्ना और थोड़ा सा सोना भी गिरवी रखा था, वही मैं चेक करने को आई है। ठीक है मैं चेक करके बता दूंगा, तू जा। वो जो झाड़ू मूछ वाला है ना, वही उस फुलझड़ी का बाप है, चलो उसकी चुगली करते हैं। ए थोड़ा इज्जत से रे, बुजुर्ग है वो, एक तो बुड्ढा पहले से प्रेशर में और ऊपर से औरतें चौ चौ कर रही है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया और बुड्ढा टपक गया ना तो उसकी बेटी से अपन को शादी करना पड़ेगा। तो अपने मायके क्यों नहीं जाती रे, इधर कैसे रहेगी? मैं किधर नहीं जाएगी, मेरा अब इस जालिम दुनिया में कोई नहीं है, मेरे को पैसों की बहुत जरूरत है। ये लोग के पास तेरा जो भी पैसा है ना वो मैं तेरे को भिजवा देगा।
फिर तू ये बस्ती से किधर चली जा। चल मरने देना अपन को, क्या आप लोग चाय भी देना। चल चल। चंद्रा वो छोकरे को पहचानती है? पानी कम का बेटा है। राजन की मौत ने चंद्रा को ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहाँ शंभू और चंद्रा की जिंदगी मच्छी के जाल की माफी उलझ गई थी। अरे रोको रोको, गाड़ी का पहिया घूम रहा है। चलेगी तो घूमेगा ना। तुमने अपन को पहचाना क्या? कौन है रे, पहली बार देखा तेरे को गली में। तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो अपन ने घासलेट डाला था। पहचाना पहचाना, और मेरे पेट्रोल के छुट्टे पैसे भी तू लेके वहां से भाग गया। अस्पताल में खून की जरूरत है, जल्दी चलिए पापा। अरे बाप के सामने भोली बन रही है, तेरी शरारत कली देख ली थी। ए भाई चलटना। ए क्या सब रास्ते पे खड़े होके लड़कियों को ताड़ रहा है? नहीं सब, वो रिवेलिटी में। मतलब? बोले तो रिश्तेदार। रिश्तेदार है तो घर पे रिश्तेदारी निभाने का ना, इधर रोड पे क्या दूरबीन लगा रहा है? अरे साहब अभी तो सिर्फ घुरम घरी चल रही है। अच्छा, ये नाई की दुकान लेके कहाँ घूम रहा है? साहब ये संजू बाबा स्टाइल है। स्टाइल? सब 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 सड़क सड़क नहीं देखी नहीं, कोपका दिखाता हूँ। ये मन्नत का बाल है, छोड़ दीजिए नहीं तो टूट जाएगा। अरे साहब इतने सी बाल उगाने में 10-12 किलो नारियल का तेल घुस गया, छोड़ दीजिए। अच्छा ये तेरा दोस्त है? जिगरी दोस्त है। हाँ आजा, तू भी आजा, तेरे को बताता हूँ मैं। क्या सुरेश, ये लंबे बाल वाले इतने ही मिले क्या? अरे गाड़ी का सायरन सुन के सारे भागे साहब, यही बड़ी मुश्किल से मिले। साहब अपन के मन्नत के बाल है साहब। अरे ये सब लोग का यही डायलॉग है। लेकिन ये तो अलग अलग धर्म के दिख रहे। साहब अपन बुरा का आदमी है। निकल साहब, अपन सेंथिल भाई के लिए काम करते हैं। ठीक है जा। ऐसा लगता है ये पुलिस की ना भूरा और सेंथिल से पुकपुकाती है। क्या रे, एक तो तेरी कमर सारस की गर्दन जैसी पतली, ऊपर से दो दो बेल्ट। साहब ये फैसन है साहब। ए इसे संजू से सनी बना। साहब 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 ये मन्नत का बढ़ाया हुआ वाले साहब। साहब आपको शराब पीस के सब लगेगा। साहब 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 ए छोटा मटका आगे बड़ा मटका पीछे चल। पानी का राशन कार्ड नहीं है ना, चल लाइन में। ए मैं लाइन में ही थी रे। पीछे नहीं जाएंगी ना तो तेरे को पानी नहीं मिलेगा। किधर भी मेरा पति लारी ड्राइवर है, लारी चढ़ा देगा तेरे ऊपर। अरे उल्टा पट नहीं, पीछे पीछे बटन वाली की अम्मा है वो। मैं पानी लेके आती है। पटका ला। तेरी अम्मा है क्या रे? तू मेरी अम्मा से लफड़ा कर रहा था? तेरी अम्मा अपुन की अम्मा से बढ़के है। तूने ये पर कब कटाया? अच्छा लग रहा है तू? गांधा जिले के चक्कू से काटे लाए। ए पद्मा। हे अरे आना। अबे बाइक किसकी है? के बजाज की है। चल अभी आ। मेरे बापू नाली में गिर गए, अपुन आती है। चल किक मार। काका वो आजादी के पहले वाला नक्शा देना मेरे को। ए तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे वास्ते हैप्पी बर्थडे कार्ड लेने आया है। मेरे को देख के अनजान बन। अरे तेरे बर्थडे पे अपन टूटी फूटी का केक काटेंगे। जल्दी चलना। ए लड़की चढ़ रहा है, दूं क्या एक? ये अपन का छोटा भाई है। अच्छा अपना साला है क्या? क्या छोटे चड्डी पहना है, सही है गर्मी में हवा जाना चाहिए। दिल लगा के पढ़ाई करा, बच गया रे बाप। तू झिंगुर से काको बात की? ए कुंदन उसका नाम जरा इज्जत से ले, हो सकता है कि कल को अपन की उससे शादी हो जाए और तू उसका साला बन जाए। साला इससे शादी करने से तो अच्छा है कि तू कुंवारी मर जा। आज बस्ती में देवी की सवारी निकल रही है, वो इस देवी जिसे भूरा पूछता है। ए, पूजा जुलूस में पद्मा भी है। रुकाता हूँ थोड़ा, बालों पे हाथ भी मार लेता हूँ, स्टाइल मारने गए। जुलूस किधर तक जाएगा? हा? क्या बोलना? तू जाना यहाँ से। एक प्लान किस देना? भूरा के दुश्मनों ने उसको मारने का प्लान बनाया है। अपन के पीछे हुआ। ये भाई भाई बंगड़ी देना। रुकना अपन पहनता है, टूटना नहीं चाहिए, प्यार से पहना है। शैतान ट्यूशन शुरू कर दे, रोकड़ी हो जाएंगी। आजा सिवा चाय मंगाऊं क्या? इधर भाई लोग का डिस्कशन होने वाला है, तू मंडली लेकर कहीं और जमा चल। वो क्या है ना, पद्मा को प्राइवेसी चाहिए था इसलिए कुप्चे में बैठे तो 5-स्टार में जाने का ना जाना, काय को इज्जत कर रहा है? अरे शिवा खाना ठंडा हो रहा है। चल अभी इज्जत से उठ जा, एकदम कमती हो, कान में रहकर तेल डाला के चल हटक। अगला
अगला टाइम एसी में बैठेंगे। क्या ऑर्डर किया था रे? खाने को छुआ नहीं है, भाई लोग को खिलाने का तो खिला दे। देख हम लोग अपने खाने का पैसा तो नहीं देंगे, तू भी मत देना, ऐसे निकल जाना। चल चल मेहरबानी मत कर। चल रुद्र भाई आइए। चलो डर मत, बिंदास खा, बिल मैं दूंगा। खाने में मिर्ची बहुत डाल दी। मेरा पर्स अंदर है क्या? ए अरे उन लोग को जानते, बाद में ले लेंगे। कोई सेंथिल का नाम लेकर तेरे को भड़का रहा है। जैसे कॉमन फ्रेंड होता है ना, वैसे ही कॉमन दुश्मन है। तुम दोनों अपनी दुश्मनी का पैकअप इधर ही कर डालो और अपनी दोस्ती का दिया जलाने का। क्या सरकार भी अपने स्मगलिंग के धंधे पर फन काट के बैठ गई लिए? सही बात है भाई, पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने तकलीफ से मिलता था, अभी हर जगह अवेलेबल है। अक्का जिंदगी आप उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक का झोल खेला है, अभी पाउडर बेचेंगे। इतने सालों तक हम लोग व्हाइट कॉलर काम करते थे, इसलिए पुलिस हम लोग के गिरेबान में हाथ नहीं डाली, समझा? और बदले में हम लोग भी उनकी मुट्ठियां गर्म करते थे। लेकिन जिस दिन पाउडर की दुनिया में कदम रखे तो टोले लोग को बहुत माल देना पड़ेगा, और अगर हम लोग आड़े फटे ना तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारेंगे वो। अपन को देर हो रही है। ठीक है अपन लाता है। ए लल्लू समझाना क्या? रुद्रा ने भूरा और सेंथिल के बीच मांडवली करा दी थी। लग रहा था कि अब उनके बीच गैंग वॉर नहीं होगी, लेकिन किसको पता था कि शंभू की एंट्री इनके गैंग वॉर को फिर से शुरू कर देगा। पता नहीं तेरे और शिवा के बीच में क्या लफड़ा है। अब वेलू भूरा सब के सब तेरे खून के प्यासे बन गए, तेरे पास अब एक ही रास्ता है, तू कुछ भी करके सेंथिल के ब्लॉक में चला जा। ए इधर आ। सब सलम, तूने हमें फोन देने का खतरा क्यों मोल लिया? अगर हम वहाँ वक्त पे नहीं आते ना तो तेरा गेम बच जाता। अगर तुझे अपने जान की सलामती चाहिए तो उनसे दूर रहे, कुछ दिनों बाद तुझे दूसरी जेल में भिजवा दूंगा। ये जेल अपन के घर से बहुत करीब है, तो जब भी माँ को अपन का दीदार करना होता है तो इधर चली आती है। पढ़ना आता है क्या? कोशिश करेगा तो पढ़ लेगा। चिट्ठी पढ़ना शुरू कर, काम पे लग जा। ये ले चिट्ठी पकड़ और जाके ठीक से पुकारा कर। चल निकल अभी। मदन चिकना, बाप का नाम जाफर खुरदुरा। तू ये नाई लाला, अपुन को दे, अपुन को दे। अकेले अकेले बैठ के यहाँ पे दम मार रहे तू, चल अपुन को दे। अरे किडनी बेच के दो दम मार रहे, तेरे को काय को देगा? तेरे को बहुत शौक है तो जा अपना गुर्दा बेच और मार। मेरे गुर्दे पे क्यों जा रहे बे? तेरी नहीं, दो दम मांगा था उससे, चिरान दे दिया। अरे डॉक्टर, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर माल मांगता है अपन लोगो को। ए चचुए इधर चल, एक दूंगा ना जुलाब लगेगा। मंगाना तो पड़ेगा। घबरा मत दादा, अपन माल लेकर आएंगा पक्का। डैडी का नाम देओल। आ रे ले बाप। अक्षय। पापा का नाम कुमार। सांगड़ा। पिता का नाम कुट्टेश्वर यादव। ए अपने नाम बोल। सरी बोलते हैं। पिता का नाम देओल का छोकरा। शांति। अपने ना। बापू का नाम बोल। अशांति। सिक्योरिटी बढ़ा दिए ये लोग ने। अरे दादा बंदे को राजू कावा बोलते हैं, टेंशन नहीं लेने का। क्या देख रहे ला? क्या राजू अपन का फ्रेंड है, उससे बात करने का था अपन को। ऐसा क्या, क्या कर रहे ला? नाम का पुकारा कर रहा हूं। अपन संभालता है। ए तू पुकारा कर। ए घबराने का नहीं। तेरे को ए दास क्या लफड़ा है भाई? ये कान खजूरा सामने वाले पिंजरे से आया है। चल वटा उसको। तेरे को राजू से मिलने का है ना, तो ट्रैफिक सिग्नल पे जाके चिल्ला, बहुत राजू मिल जाएंगे। चल वटा के इधर से। ठीक है भाई। वंटास वंटास भाई बाल। चल फोट। पुलिस के लिए स्मगलिंग रोकना एक बड़ा सिरदर्द था। मुलाकाती जालियों से माल सप्लाई करना चाहते तो शाणे पुलिस वाले उसे रस्सी से गिरा देते। आलम यह था कि चाहे अचार की शीशी हो या लंबी वाली चॉकलेट, सबके अंदर माल था। पर लोगों ने हद तो तब कर दी जब साबुन के अंदर भी माल छिपा रहा। सब सलाम। क्या शंभू भाई, क्या बोलते हो, कोई तफलीक तो नहीं है उधर? कोई तेरे को मिलने नहीं है? अपन को ब्लॉक चेंज करने का। ब्लॉक? अरे हाँ दास इधर आ। क्या रे? अपन की जिंदगी बढ़ाने वाला यही है। यही है वो एक नंबर का कैरम पी ले रहे, दादा को इसके साथ खेलने में मजा आएगा। चल रहे नाइसिल पाउडर डाल। ये अपन की तरफ से दो बीड़ी भाई के नाम पे। भाई पर चार शंभाजी बीड़ी लग गई। जिंगूर लोग उस पे भी लगाओ। हाँ दादा। सेंथिल भी कैरम के खेल का बादशाह था, क्योंकि राजन ने उसको उंगली पकड़ के सिखाया लगा। लेकिन सेंथिल के इलम में यह नहीं था कि शंभू को चैंपियन बनाने वाला राजनीश था। We'll be right back.
ला। ए चल रहे दो बेड़ी खाली कर। अपुन हार गया है, छोकरा जीत गया है। बहुत हार्ड गेम है इसका। हाँ बहुत हार्ड है। ये ले चार। तुम लोग खेलो, अपुन जरा दाढ़ी का सेटिंग करके आता है। टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है सर। ऐसी कोई बीमारी बता डॉक्टर जिसका इलाज बाहर हो सके। सर आपको बाहर जो भी करवाना है वो सेंथिल यहीं से कर देगा। जब वो चड्डी पहनता था तब से जानता हूँ उसे। राजन का गेम बजाने के लिए मेरे पास ही आया था। मैंने ही उसको प्लान बताया था, फिर पैसों के लिए वो मेरे खिलाफ काम करने लगा। कैसे भरोसा करूँ उस पर। ऐसी बात नहीं है सर, सेंथिल अब समझदार हो गया है। जब से आप अंदर आए हैं तब से वो आपके साथ मीटिंग करवाने के लिए मुझसे कह रहा है। उसी की समझदारी की वजह से आज मैं जेल में हूँ। अगर मैं इलेक्शन जीत जाता तो विरोधियों के चंगुल में ना फंसता। जेल के अंदर रहते हुए भी वो हर रोज 5 लाख की कोकेन तो बेच ही लेता है। बस आपके आदमियों का सपोर्ट नहीं मिलता। आप एक बार उससे मिलकर सब कुछ तय कर लीजिए और किसी बड़े नेता से कहकर जेलर पे दबाव डलवा दीजिए। उसके फायदे में आपका भी तो फायदा है ना। हाँ बोल, क्यों मिलना था? पार्टी में वापस आने गए। कर दिया ना वही थूक के चाटने वाला काम। लास्ट टाइम तूने बूथ कैप्चरिंग करके अपोजिशन वालों को जितवा दिया था। अब मेरी पार्टी पावर में आने वाली है तो चला आया चढ़ते सूरज को सलाम करने। अपन वो बस्ती में कभी नहीं जाता जिधर अपना हस्ती का कदर नहीं, इसके लिए इधर आया है। ऐ तू दो मुंह वाला सांप है, भूरा तेरे जैसा नहीं है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है तो मैं तेरे लिए उसको क्यों छोड़ दूं? दादा अपन को कुर्सी का लालच नहीं है, बस अपन को पार्टी का लेबल चाहिए। आप मेरे बोलने पे मत जाओ दादा, मेरा काम बोल के दिखाएगा। बंदरगाह के 6 यूनियन में से 3 यूनियन अपन का कंट्रोल में है। 500 लोग हमेशा मेरे साथ खड़े ले हैं। आप मेरे पे भरोसा चालू करो ना, जितना पैसा बोलोगे उतना दूंगा। 10 करोड़ 20 दिया। शंभू आपने बटन मत खोलना, आपने चोटों को छुपाना, और मान ले अगर जज ने पूछा तो कहना चोट जेल में नहीं लगी। जाओ बोल देना कि साहब लोग की लापरवाही से लग गई है, इन लोग का रिव्यू अच्छा नहीं है। हाथ से निकल गया तो पकड़ में नहीं आएगा। तो बच्चे को काय को लेके आए लिए? ये पूछ रहा था मेरा बाप कैसा दिखता है, तू बाहर कब आएगा? अरे लोग जितना दुबई में नहीं कमाता उतना जेल में कमा रहा हूँ मैं। जरा उसको उठा तो। उठेगा तो रोएगा। जब वो पूछे बाप क्या काम करता है तो बोलने का दवाई बेचता है, डरक डरक। भाई भाभी है, कैसी है? मस्त है ना, इसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। हाँ ठीक है निकल ले। ठीक है शंभू, इन्हीं लोग के लिए तो जेल में कमा रहे ला अपन। पेप्सी डाल डाल के ना आप तो दुखने लगा है, पूरा गोदाम बन गया अब तो उधर। शंभू वो जो सामने सूखी लकड़ी खड़े ली ना, माल उसी के पास है। अगर तू माल लाने में मदद करेगा ना तो तेरे को ब्लॉक में ले लूंगा। गैंगस्टर की जिंदगी भी एकदम नशेड़ी जैसी होती है। इधर खामोशी और सन्नाटे नाम का परिंदा पर भी नहीं मारता, हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहता है। नसीब का दरवाजा खुलते ही हाथ डालो और जो मन करे उठा लो। अपने कर्जे चुकाने के लिए यहाँ कुत्ते के माफिक काम करना पड़ता है। बॉटल मनी मुत्तु स्वामी को बुलाओ। मुत्तु स्वामी हाजिर हो। तेरे पिताजी का नाम बोल। उल्लेश्वर यादव, वो भी वकील थे साहब। अब जो किया है उसको सेटल भी तो करना है। रवि हाजिर हो। हाजिर है साहब। आपका नाम बोल। आपका नाम सोनू। साहब कोर्ट में हीरो लग रहे हो। ए मस्का मार रहा है क्या? शिवा शंभो। बाप का नाम बोल। मनिकम। नमस्ते साहब। बाप का नाम? सन्मोहन। केस की सुनवाई अगले महीने की 18 तारीख तारीख पर तारीख। यही कोर्ट का दस्तूर है और इसी तारीखों के जाल में ये मासूम कीड़े फंस जाते हैं। सीधे चल, चल सीधे चल, सीधे चल। क्या कर रहे हैं? तफलीक है इसीलिए आस्ते चल रहा हूँ। अरे भरोसा नहीं है तो गोद में उठा के ले चलो ना। चल चल। जिसकी जिसकी टांगे फैली है पहले उनको चेक करो। सर ये रहा। चल चल बहुत खुजली है तेरे को। चल 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 चल। अफ्रीकन अफ्रीकन आ जा। चल हिंदी सीखा कि नहीं अभी तक? इस बार अपन ने सेंथिल दादा से वादा किया था कि माल के साथ सिम कार्ड भी लाएंगा, लेकिन इन लोग ने हाथ में दस्ताना पहन के सब खींच लिया। सेंथिल दादा अपन से बहुत नाराज होएगा। क्या हुआ? अपना पुराना चप्पल मेरे को दे और अपन का यह नया चप्पल तू पहन ले। काय को? अबे ये पहनने से तेरा वजन बढ़ जाएगा। ए अपन सत्याग्रह से लौटा है जो चप्पल बदलेगा। चप्पल कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा है। पहन लेना। अच्छे से ताला लगा वरना मैं भाग जाएगा। इतनी भारी काय को लग रही है? माँ कसम अंदर माल है। दादा जल्दी चल, भाई को तेरे नाम की हिचकी आ रही है।
माल अंदर आने ही नहीं दे रहा है। क्या दिन आ गया बाप, चिपकली मार के उसको भर के चिलम में पीना पड़ रहा है। जरूर मस्त आ रहा है। इतनी बात क्यों आ रही है? दम्मार जवाब मिल जाएगा। ए, काय को स्वर्ग जाने वाला काम कर रहे हो? अरे मम्मी उधर वेट कर रही है भाई। निकल निकल चल। भाई यही चाहे वो। मेरे जैसे खिलाड़ी के आइडिया फेल हो गए। तूने क्या झोल किया बे? अपन पुलिस वालों का चिट्ठी पढ़ने में हेल्प करता है, तभी अपन ने नोटिस किया कि पुलिस वाला कभी चप्पल चेक नहीं करता है, इसलिए अपन ने चप्पल में माल मंगवाया। इसकी स्मगलिंग से तू बहुत माल कमाता, अपन को क्या क्यों दिया? अपन की जान को बहुत डेंजर है, इसलिए अपन आपकी ब्लॉक को सुरक्षा कवच बनाना चाहता है। आपकी छाया के नीचे रहने का है अपन को। भाई जब शिवा ने राजू को मारने की प्लानिंग की थी ना, तो इसी ने राजू को बचाया था, तब से शिवा इसके फिराक में है। मौका मिलते ही ये चंदन में महक जाएगा। जान बचाने के लिए ये खजूर आपके हुजूर में आयला है। किधर का है? कंजारवाड़ा। भाई ये सच बोल रहा है? पानी कम याद है, ये उसी का बेटा है। अपनी टीम में ले ले इसको। ठीक है भाई। खाना खिला इसको। चल जा बेटा। ठीक है चल। शंभू भाई, अपुन के ब्लॉक में रहने का मतलब तू अपुन का आदमी है। तेरे को ऐसी सिक्योरिटी दूंगा कि जेड सिक्योरिटी वाले भी नहीं दे पाएंगे। जा वह सब मेरा है। ठीक है भाई। शंभू सेंथिल का सहारा ले रहा है। जुर्म की दुनिया का एक ही दस्तूर है बाबा, अगर चल नहीं सकते तो रेंगते रहना चाहिए, और मौका मिलते ही शिकार को चील की तरह दबोच लो। शंभू का भी यही दस्तूर था जो उसने कलेश्वर से सीखा, और ये उस साल की बात है जब शंभू केरम का चैंपियन बना था। केरम बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट लेवल को पार करने के बाद नेशनल सिलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए शंभू को बॉम्बे जाना होगा। उसके लिए मच्छी विभाग के मिनिस्टर श्रीमान ओशिया जी ने वादा किया है कि शंभू का सारा खर्चा वो अपनी पॉकेट से देंगे। शंभू को पूरा भरोसा था कि अगर वो टूर्नामेंट जीतेगा तो उसे सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, पर जब भी नौकरी मिलने का मौका आता उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। दिखाई नहीं दे रहा है। तू एक काम कर, तू इधर से उठ के कुप्ची में बैठ जा, इधर से टीवी अच्छा दिखेगा। आजा। दिख रहा है ना? अब तो और भी नहीं दिख रहा है। ए, दीदी के पास बैठ, नहीं तो दीदी गुस्सा हो जाएगी। तेरी भी कमर पकड़े, इससे पहले तू हट जा। ए गोटे, अब मेरी गोदी में आ जा। चल कल अपन बंबई जा रहे हैं, सुखा सुखा भेजेगी क्या उनको? तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? अपन के बदन पे नाखून से खरोच डालना। ये ले खरोच। अपना हाथ हटाना, अपन को गुदगुदी हो रही है। खाली रखने पे गुदगुदी हो रही है? पीछे बिल्कुल मत देख, आगे देख। बहुत चर्बी चढ़ गई लिए। पहले काय को नौटंकी कर रही थी? लड़की शर्मीली होती है। तो उतारू क्या? अरे क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं, उसको दमा हो रही है। घर गंदा कर दिया मेरा, कल मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा है जी। तू निकल, अपन इसको ड्रॉप करके आ जा। पकड़ के लेके जा। क्या हो गया? सबके सामने अपन का इंसल्ट हो गया। क्या? ए लाइट जलने से पहले अपन हट गया था। ए खजुआ इधर आ। वो लीना मासी ऐसी। चल तू निकल। ये क्या छेछोरे चाले सुनने में आ रहे बे? क्या हुआ? पिक्चर देखते देखते सीन में ही चुतर गया तू। अबे मासूम बच्ची है वो, बदनाम काय को कर रहा है उसको? उसके साथ ऐसी दोस्ती रख जैसे फूल और कांटे की होती है। चल निकल। शिवा भाई वो आपको ना काय को बोली? क्या बोलेगा बे, आजकल की लड़कियों को छिछोरे लड़के ही पसंद आते हैं। देखना शादी से पहले चिल्लों का तलाक होगा। रो मत, आजा। उसने अपुन के बारे में बोला ना? ए अरे उसको शादी में जाने गया इसलिए अपुन का जूता मांग रहा था। तू चल आजा। क्या हुआ? अरे सच में जूता मांग रहा था तू? अपुन को चूरन की गोली दे रहा है। अपन पे ट्रस्ट नहीं है? अरे बत्ती जलती अपन अलग हो गए, किसी ने नहीं देखा। अरे देखा भी तो अपन शादी करेंगे रे, उसके बाद तो लगा आईला झटका मार रही। मना किया था, तू माना नहीं मेरी बात। कंट्रोल नहीं हुआ ये पद्मा। अरे तेरे को पता है क्या, तेरा हुसन देखे ना मुर्दे में भी जाना जावे। अरे सच बोल रहा है तू? चल जल्दी जल्दी चल। वहां होट की काटम काटी चल रही थी। हां ये देख, अरे था कौन? इन लोग थे? हां यही थे। ए दो दिन से अपन तेरी झलक नहीं देखा, क्या हुआ? तू बुर्खा पहनने लगी है क्या?
ए, तू इधर काय को आया? तू दो दिन से मिली काय को नहीं? हाँ, तूने अपुन का मुंह काला कर दिया है। मछली मार्केट गई थी, पता उधर क्या हुआ? क्या रे काकी, बासी मछली बेच रही है, काय को लोगों को लल्लू बना रही है? इधर आओ शंभू, पापलेट फ्री में। वो सदमा मैं झेल ली। पता है बस्ती की लड़की ने क्या बोला? तू आंगनवाड़ी काय को नहीं आई? माँ कहती है तेरी टीचर का कैरेक्टर थोड़ा ढीला है, अगर तू उससे पढ़ाई करेगी तो तेरा भी कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। ठीक है निकल, ये बात अपुन के घर तक पहुँच गई है, अपुन से दूर रह वरना मेरा बापू लारी चढ़ा देगा। ए, जब चुम्मी कर रहा था तभी विरोध काय को नहीं किया? तभी तो गपचुप थी। अगर लाइट नहीं जलती ना तो मौसी को पोछा लगाना पड़ता, और जब तेरे घर पे 24 इंच का टीवी है तो वो छोड़ के तू 14 इंच का देखने के लिए अपुन के साथ काय को आ गई? बात करती है, वैसे अपुन भी शर्मा गया था। अपुन को लगता है तेरे प्यार की गाड़ी से कूदना पड़ेगा, पद्मा बदनाम हो गई। पता है कल क्या हुआ? ए पद्दू, अपुन सुना तेरे को फिल्मों का बहुत शौक है। हाँ है तो क्या करेगा? कभी आ गरीब की झोपड़ी में, अपुन रंगीन फिल्में दिखाएगा। शबनम का प्यार फिल्म फ्लॉप थी लेकिन गाने हिट थे। कौन था वो? वही जिसे देख के लगता है कि कोयले की खान से निकला है। अच्छा, तेरा मतलब कलेश्वर क्या? हाँ वही। क्या हुआ, किसी ने तेरे को चमाट मारा क्या? कुछ नहीं हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके पतंग उड़ा। तू बता रही कि नहीं? अरे तू, वो कलेश्वर छेड़ रहा था। जब मेरी सिफारिश लेके कुंदन कलेश्वर के पास गया तो उसने उसकी रुई की तरह धुनाई कर दी। अबे कुछ देखा तो नहीं ना खजुए? पद्दू के साथ पप्पी शप्पी कर रहे हैं? ए पप्पी करके कैसा लगता है बोलना? तूने अपन की छावी के साथ मस्करी की और अपन के साले को मारा भी। देख खजुए, जब भी कोई बुजुर्ग आदमी धुलाई करे ना तो दिल पे नहीं लेने का। देख बच्ची, अपन तेरा एडलर बिरादर है। बचपन में जब तू गुदड़ी पे सुसु करता था तो माँ एक कनपट देती थी, भूल गया? और बाप क्या करता था? गली में डॉगी माफिक दौड़ा दौड़ा के मारता था। कभी बुरा माना? वैसे अपन की मार का बुरा नहीं मानने का। चल निकल, हवा अंदे चल, भटक ले। पद्दू बहुत मस्त है, उसे कभी बागीचा दिखा दे क्या? भाई तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया। हा? देखो भाई, तुमको मालूम नहीं है सारी खुदाई एक तरफ और जोरो का भाई एक तरफ। क्या करेगा भाई साहब? गुस्सा की फिर मत करना। तेरी तो जीजू, अपुन तेरे से प्यार से बात कर रहा है और तू क्या? नहीं बच्ची, सर से फुटबॉल खेल रहा है। तू मच्छी पकड़, चल कट ले। अबे निकल, अपन की छावी को छेड़ना मत। बार बार बोल के जमान घिसा रहा है, समुंदर में फेंकूंगा भाई उसको। मार के अच्छा नहीं है भाई, गलत हो रहा है। अगर दोबारा दिखा तो काट के शार्क के मुंह में डाल दूंगा। चल निकल, ब्लोअर चलेगा तो उड़ जाएगा और बाप को धमकी दे रहा है। ए! अगर दोबारा इधर आया तो पद्दू के हाथ पे अपने नाम का टैटू बनवाऊंगा। अबे वो तो आज पेट साफ है इसलिए अपन को जास्ती गुस्सा नहीं आया। बाजू बाजू से जा वरना कल के अखबार में आ जाएगा। जीजू अपन को तो लगा तू उसको बहुत मारेगा लेकिन उसने अपने साथ साथ तेरे को भी चिपका डाला। रुद्रा भाई वो कलेश्वर को जरा समझा दो ना। क्या चिंदी मैटर के लिए आप उनको इनोल कर रहे हैं? अरे ये कोई चिंदी मैटर नहीं है भाई, वो तुम्हारी बहू को बेइज्जत कर रहा है। अगर चिंदी चिंदी मैटर जुड़ के चद्दर बन गया ना तो बहुत तफलीक हो जाएगी। ऐसी बात कर रहे बेटा शंभू, तू अपनी माँ का अकेला चिराग है, नशा उतरते ही वो सब भूल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो क्या मारेगा? उसका गेम बजा देगा। देख बेटा बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, तफलीक में आ जाएगा तू। तफलीक में मैं नहीं, वो आएगा। ये मैटर सॉल्व करा दो भाई। वो चक्कू लेकर आएगा और तू छुरी लेकर जाएगा, इससे क्या होएगा? खून खराबा, ये सब में मत पड़, चल जा। लफड़ा सुलट गया ना, अब पद्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कल से अपन पद्मा को मेहंदी क्लास के लिए भेजेगा। कुंदन। हाँ क्या हुआ? तू इधर आके खड़ा हो जा। पर काय को? आना। चढ़ गए लिए अपन जा रहे हैं। अपन लोग फिर से उसके पास जा रहे ले। वो कल्लू बात कम करता मारता ज्यादा है, अपन तो बोलता है वापस घर चलते हैं। पिछली बार अपन लोग खाली हाथ गए थे ना इसलिए वो अपन को धुरवा समझ रहा था, लेकिन इस बार अपन लोग के पास भी चपटी है, काट डालेंगे उसको। अपन का तो चक्कू बार बार सरक रहा है, तूने क्या सलो टेप से चिपका ले? अबे तेरा मुंह पे चिंगम पट्टी लगा भाई, अगर बदनाम मिल गए ना तो कसम से मैं अपनी बीवी को भी छोड़ूंगा। उसके बेवड़े दोस्तों के सामने बात नहीं करेंगे वरना पोपट हो जाएगा अपन लोग का।
वो लोग जैसे टून होके निकलेंगे ना तो अपन लुक जाएंगे। अमेरिका की बिस्की है। नहीं नहीं, घर जाना है, आज बीवी का बर्थडे। डर रहा है ना कि बुलेट के साथ किधर उलट। आधा लीटर और भी पी लिया ना तब भी घर चला जाएंगे। भाई एक मिनट, कुछ बात करने गए। खजुए आज बड़ी मुश्किल से चढ़ी है, तू उतारने के लिए आ गया। भाई उसको छेड़ना बंद करो, तुम्हारे इलाके की है। तभी तो अपन का हक बनता है, बाहर के लोग आके छेड़ेंगे अच्छा लगेगा। भाई अपन का तुमसे ये रिक्वेस्ट है, छेड़ो मत। और कोई हुक्म? अरे गिर गया। अरे कुंदन ये गिरा कैसे? ए तू सामान ले गया है? भाई वो हम लोग पार्टी में नारियल भी छीलते ना तो वो रह गया। अपन का खून खच्चर करेगा। भाई इसको मत मारो भाई, भाई आप तो होने वाला साला है भाई, भाई मत मारो भाई, भाई रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, छोड़ दो भाई। चुप रहे, देख अभी अपन घुसाएगा। मैंने भाई सॉरी, मैंने वार किया। अब उनके अंदर का सोया हुआ राक्षस जाग गया है। अब भाई हम लोग आपको टपकाने के लिए नहीं आए, बस बात करने के लिए आए। तो चपटी लेके काहे को आया था? अपुन को घुसाएगा तू? हाँ घुसाएगा। एक कुंदन रुक जा, एक कुंदन लफड़ों में मत पड़, तू निकल यहाँ से। आज तो गया तू। भाई माफी दे दो, माफी दे दो, उसको जाने दो ना। बस्ती का नहीं होता तो आज सुबह ही तेरे को टांगा डालता। घुसा डाला, मार दिया अपुन को। अपन नहीं मारता तो तुम उसको मार देता। अब तो गया तू। एक कुंदन तू जा यहाँ से। अपुन के साथ चल। अबे जाना अपने साथ गद्दारी की तूने। अबे वाट ले। अपुन नहीं जाएगा, तू भी साथ चल। मंडली भाई उन लोगों को मत बुलाओ भाई, अपन तुमको दवा खाना ले चलते हैं। खाली पॉकेट में हॉर्न बजा रहे हैं, जरा देख के आ यार, कुछ तो लोचा है बाप। अबे भाग ना, चल ना पीछे मत। वो उधर दिख रहा क्या? वो बोट, हाँ वो बहुत बड़ा है। चल भाग। ए गणेश्वर क्या हुआ तेरे को? चाकू मारा उन लोगों ने, भाई को चाकू मारा। ए पकड़ो उसे और बच के जाने नहीं चाहिए। उनका खेल शुरू। ए शंभू एक बार सेंथिल दादा से बात कर लेना, पूछने में क्या जाता है। जैसे वो लोग वाड़ीलाल का गेम बजा लेते ना, कहीं आपका भी वैसे ही गेम नहीं हो जाए। वो अलग मैटर था रे, बेल लेके निकल लो भाई। अगर ये जिलर थोड़ा घुस खा के मेरे पुराने केस खत्म कर दे तो मेरे को पार्टी में जगह मिल जाएगी। कब तक इधर ही दुबक के बैठे रहेंगे? मैं बाहर निकल के मेरे को अपना फ्यूचर भी देखने का है, कैसे भी करके वो लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का है और जिंदगी को आगे बढ़ाने का है। भाई अपन तो बोलता है वो नेताजी से बात करके देखो। खाना खाया छोटे? खाया भाई। अपने ब्लॉक में कैरम के बहुत अच्छे खिलाड़ी लोग हैं, दूसरे ब्लॉक में भी कैरम के एक से एक नगीने हैं। अगर आपकी सरपंची में कैरम का टूर्नामेंट हो जाए तो। इधर जान के लाले पड़े ले और तेरे को कैरम टूर्नामेंट की पड़े लिए? ऐसा नहीं है भाई, टूर्नामेंट के बहाने आप उनका जेलर से अच्छा रेपुटेशन बनेगा भाई, और माल मंगाने में। इसकी बात में गहराई है, एक बार जेलर से बात करते हैं अपन। किसी को मन की बात करनी है क्या? उनको साहब, अगर आप इधर कैदी लोगों के बीच एक कैरम का कंपटीशन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इधर हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छे अच्छे कैरम खेलने वाले हैं साहब, और दूसरे ब्लॉक में भी है साहब। ज्यादा दिन खेलेंगे नहीं तो इनके खेल को जंग लग जाएगा ना। जब खेलेंगे तो राड़ा नहीं करेंगे, लोचे लपाचे नहीं होंगे, तो आपका भी टेंशन कम होएगा ना साहब, एक अच्छा माहौल बनेगा।
ठीक है, कर लो। पहला राउंड बैरक में, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड होगा मैदान में। जीतने वाला आगे जाएगा और हारने वाला बाहर। जो जीतेगा वही अगले राउंड में जाएगा। सामने वाला कितना भी शाना हो, हमेशा उसे हराने के लिए खेलो। आपन फोड़ता है। अगर किधर फंस जाओ तो दूसरा रास्ता खोजो। ये सब एक दूसरे को फंसाने में ही लगे हैं। पहला राउंड शंभू जीता। इस राउंड का विनर है शैलेश। और इस कैरम मैच का विनर है संथिल। और ये मैच जीता है शिवा ने। तुम्हारा भाई एक नंबर कैरम खेलता है। ये तो बच्चों का खेल है। कल जो गेम खेलेगा अपन वो जबरदस्त रहेगा। कल कैरम में संथिल के 150 बंदे रहेंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे अपन उसका। लेकिन उसके किसी भी बंदे में इतना दम नहीं है जो हमारे प्लान का सत्यानाश करे। कल राज का पर्दाफाश होएगा। अभी क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है शंभू और सुंदर के बीच। सामान लुंगी में रख लो। दुश्मन का गेम में उसके हथियार से ही बजाता है। ये खिलौना अपने पास रख। भाई ठीक है, आप मत। ए संतिल दादा, अरे रास्ता साफ रख। ए नाबीना हो गया क्या? भाई का अंगूठा दबा दिया। मैं देखा नहीं भाई। चल तू भी रख। तेरा भी हाथ वैसे ही दबाता हूँ। मालूम पड़ेगा कितना दर्द होता है। भाई कैरम खेलने जा रहे थे, अब कैसे खेलेंगे? दिल तो कर रहा है इधर ही जेल में तेरी समाधि बना दो। अरे बोला ना, गलती हो गई। जान दे रे, तू जा। चल निकल, एक महीने तक दिखना नहीं इधर। चल चल भाई। बलट भाई किधर भी मत जाओ। ए पागलपंती की बात मत कर। देखो कितना खून निकल गया है, चक्कर भी आ सकता है। मैं तो बोलता है आराम करो। फाइनल राउंड। ए हट रे। ए रेफरी, भाई ने जीत को दान में दे दिया है, वो नहीं आ रहे ले। क्या हुआ? भाई का अंगूठा घायल हो गया है। अच्छा अच्छा। वो बच्चे कछुए की तरह दुबक कर बैठे ला। लगता है उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। लोग काय को धूप में कले जा चुका रेले। चलो अंदर चल के रसना पीते, पता नहीं इसको टपकाने का अगला चांस कभी मिलेगा। आज केरम बोर्ड पे पाउडर की जगह उसका खून डालने का मन था, पर बच गया खबीस। अपने छोकरे लोग को वापस बुला ले। उधरी चिरेंदे, मेरी छटीनेस बोल रही है कि आज सेंथल टपकेगा। व्हाइट चद्दर में लिपटने का टेम आ गया। पहला क्वार्टर फाइनल जीते लाए शंभू ने। ऑफिसर क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। देखो संथिल अपने ब्लॉक में है कि नहीं। ओके चेक करता हूँ सर। अरे इसका गेम कोई खास नहीं है, हरा डालो इसको। वो क्या है ना, अपना संथिल भाई इधर होता ना तो अपना छाती एकदम फूल के गुलगुले के माफिक हो जाता, पर आप उनका किस्मत ही खराब है। अबे लानत है ऐसी पटेली पे, चेले चपाड़ को भेज के दुबक के बैठे। खींच के दूंगा गुर्दे पे, हल्के में ले रहा है। दादा आएंगे तो जीतेगा। अपन लेके आता है। वेलो
भगवान ने सुन लिया अपन की। ए, इधर बहुत खतरा है, भाई को कैको लाया। ए, सिवा बक बक कर रहा था इसीलिए अपन ले गया। संदिल भाई बैठ बैठ। अगर वहां सब कुछ ठीक है तो मेरे ऑफिस में आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्जेंट। चलो देखते। लोगों ने घेर लिया है। देख रहा हूँ। यहाँ से निकल लेते भाई। उनसे डर के भाग जाऊं ताकि बाद में दुनिया मेरे बच्चों को ताना मारे कि बुजदिल का बेटा जा रहा है। ऑफिसर्स, अगर हालात काबू में ना आए तो मेरे ऑर्डर्स हैं कि लाठी चार्ज कर देना। ये राजू को बेटा क्या कर रहा है? इसने देख लिया तेरे को मारते हुए संदिल को। वो कुछ नहीं करेगा, अपना उस पर भरोसा है। ए, तू इधर से कल्टी मार चल। मैं बोल रहा हूँ इसको सच का बुखार होएगा। ए, तू जाना चलना। शिवा, तू जाके वेलू का ट्रीटमेंट कराना जल्दी से। ए, दादा ने तेरे को सहारा दिया और तूने नमक हरामी की? नमक हरामी नहीं, लोल्टी है। अपना वफादारी भूरा के साथ है। अस्पताल में सेंथिल से मिलने उसका साला कुमार पहुंचा, जिसे सेंथिल ने पुलिस बनवाया था अपने फायदे के लिए। कुमार, डॉक्टर कहता है मेरा मदद का हालत नाजुक है, अपन को विधवा नहीं होना है। वो कह रहा है कि वो चल फिर नहीं पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो अपन ट्रेन के आगे लेट कर कट जाएगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। रीढ़ की हड्डी और दिमाग में चोट आई है, गिरने की वजह से सर पर भी चोट आई है, इसलिए दिमाग में खून जम गया है। पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है। अगर दवा के साथ साथ इन्हें कसरत भी कराई जाए तो शायद ठीक हो सकते हैं। भैया, जिसने भी किया ना उसको हसिया से काटना। वेलो तो नहीं हो सकता, उसको वारा पुण्य मारा। शिवा को तो भाई ने गिरा दिया था, वो भी नहीं है, फिर भाई को मारा किसने? दादा को किसी ने टोपा दिया। मेरी जिंदगी भी दादा को दे दे भगवान। ए शंभू, जाके माल पिला इसको। अपन सच नहीं बोल सकता क्योंकि तूने अपन की जान बचाई थी,
एक नंबर का धोखेबाज है तू, काय को ऐसा किया? तेरे को ना खाली पीले गलत फैमिली हो रही है, ये स्टोरी सुन फिर सजेशन लेना। कलेश्वर को चाकू घुसाने के बाद शंभू और कुंदन की ऐसी फटी कि वो मदद की भीख मांगने रुद्रा के पास पहुंचे। तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? किसको मालूम था टपक जाएगा वो, हम लोग उसको खाली हुल झपट देने गए थे कि देख भाई अगर तेरे पास हथियार है तो अपन भी कुछ कम नहीं है। उन लोगों ने तेरी चेहरा पट्टी तो नहीं की? कन्फर्म नहीं है, पर अपन ने शानपति दिखा के अपना कपड़ा चेंज कर लिया था। भाई अगर हम लोग थम्बू हो गए ना तो अम्मा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं रहेगा। अब क्या करेगा तू? भाई एक सलूशन है भाई, दिल पे मत लेना, हम लोग के बदले तुम ही जेल में चले जाओ ना भाई, इतना एहसान कर दो। क्या बोल रहे तू? अब बोया तू है तो फसल भी तू ही काटेगा ना। एक काम कर, भूरा के पास जा, मैं उसको फोन मारता हूँ। ए प्रशांत, क्या हुआ रे? रुद्रा ने दो छोकरे भेजे ले, उनको भूरा से मिलने गए। अपने भाई ऊपर भेज दे। ए सूरी, ये दो छोकरा लोग को भाई से मिलने का है। हाँ ठीक है ले जाता हूँ, लेकिन भाई का कंटर बहुत फेरा हुआ है, बोल देता हूँ। बोल मारा के इतने उसको कुछ नहीं किया, बोल ना झूठ क्यों बोल रहा है बे, आई को मारा उसको, दिल तो कर रहा है कि तेरा ही चला दबा के भाई जेल चला जाओ। छोड़ना कह रहे क्या चीज़ तेरे को? अच्छा वो मर गया कलेश्वर, कहना केस बिना वजह काय को खून खराबे कर रहे ला। अभी मेरी तो अलग में आ गई ना, मैं संदेल से मांडवली करने जा रहा था। ये बुलाई कर रहा है ए औरत, चुप बैठ। अब उसने कलेश्वर को नहीं टपकाया भाई। क्या भाई आपने हमेशा मुझे चिनकारी की तरह तबाह कर रखा है। कभी कभी अपन को लगता है कि तू अपन का सौतेला भाई है, तेरे नाम की वजह से अपन को कोई काम धंधा भी नहीं देता। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं जहरीली दारू पी के मर जाऊं। लोग अपन से डरे इसलिए गाड़ी में चक्कू रखता था। अपन कलेश्वर का मर्डर भाई को करेगा भाई। क्या हो रहा है? अपन को नहीं मालूम किसने कलेश्वर को टपकाया। क्या हो रहा है भाई? एक सीन सॉर्ट हो गया है। ओए छोकरी का लफड़ा ना चूचू का ना बंद कर। नहीं वो बात नहीं, देख पहले चिरा इन चालू यहाँ पे, तू और मत कर। अपन ने किसी को मार दिया? मार दिया बोले तो भाई, वो चाकू से अपन ने उसको घुसा दिया। तूने शंकर का चाकू लेके कलेश्वर को मौत के समंदर में डाल दिया? हाँ भाई। अबे कलेश्वर को तूने टपकाया? ये बुरा क्या हो गया रे तेरे को, थोड़ा ठंडे में ले। चूजा है कौन रे, कांड ये करे और खून का छीटा मेरे भाई का कालर तक आ गया। अपना खासम खास है, इधर इस मोहल्ले में रहता है, कैरम का चैंपियन है, लड़का जॉली है भाई। अबे जॉली ने पौली है बहुत बड़ा, तू किसी को भी पिरा डालेगा बे। भाई उसको टपकाने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ चाकू दिखा के उसको ठसाने के लिए गए थे भाई। ए चिकने, मेरे को धुरवा समझा क्या? ओ मेरे गबरू, क्या हुआ? अब तेरे को तो ऐसा ही कोई वफादार चूजा चाहिए ना जिसपे सेंथिल को बिल्कुल शक ना हो। अगर अभी तू इसकी गर्दन बचाएगा ना तो बाद में ये तेरे लिए अपनी गर्दन देगा। ए शिवा, इन छोकरे लोग को थोड़े पैसे दे और यहाँ से हटा दे, समझा? ये लोग को ले जाके चिट्टी के गोदाम में छुपा डाल, समझा ना? ए कुछ खाया क्या? नहीं खाया भाई। ये बुरा, ये मत भूल कि सेंथिल अपन का दोस्त था, कभी भी मना सकते हैं उसको तो। और सेंथिल का जिगरी कलेश्वर है सब जानते, अब भी इन लड़कों को गोद में बिठा लिया ना तो सेंथिल के साथ कभी सुला नहीं हो पाएगी। ए शंभू, मैं मैटर संभाल लेगी, तू आराम से खा। ए गबरू, देख मैं बहुत दूर की सोच के तेरे को डायरेक्शन दे रहा हूँ, बात को समझ। मैं एक सजेशन देती है, जमता है तो बोल। इन दो चूजों ने जो कांड किया है ना उसका सहरा शंकर को पहना डाल। कलेश्वर के मर्डर केस में ना शंकर को अंदर करवा और फिर अपने कनेक्शन से ना उसको बाहर निकलवा। इससे शंकर के नाम का दबदबा पूरी बस्ती पे छा जाएगा, लोग उससे कापेंगे। तेरी तो यही ख्वाहिश है ना कि शंकर गुंडा बने। रुक रे, सही बोल रही तू, लेकिन सेंथिल से फिर से लफड़ा मोल लेना हम लोग को भारी पड़ेगा। यही चांस का तो तू कब से इंतजार कर रहा था। मेरे को तो यही चिंता रहती है कि कब वो तेरे को मारेगा। मारेगा वो, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा उसके। ए बेलू, कलेश्वर का टुकड़ा शंकर को पिना था। जेल भेजने के लिए और पंटर लोग है ना, अपने खून को काय को भेज रहे ले। अबे सुनना, वो 32 का बैल हो चुका है फिर भी उखाड़ कुछ नहीं पाया, उसको जिंदगी में सेटल करने का है। अगर ये केस उस पे डाल दिए ना तो बस्ती में उसके नाम का भी थोड़ा गर्दा उर्दा उड़ेगा ना। बाद में फुटपाथ पे कब्जा करके कबाब पाव की गाड़ी लगवा देंगे और बाद में शादी करके सेटल कर देंगे। शिवा, इन दोनों को जट्टी के गोदाम में ले जा। ठीक है बुरा भाई। कमो, इडली का पत्ते पर तकदीर लिखा के लाएला तू। बुरा भाई किसी लल्लू पंजू की मदद नहीं करते, वो तो चंद्रा भाभी ने तेरी सिफाशिर की बोल के नाव में तैर रहा है, नहीं तो गंदे नाले में तेरी लाश तैर रही होती। भाभी को भैया दूज पे अच्छा सा गिफ्ट दे देना, नया जन्म दिया ला उन्होंने तेरे को, अभी आगे की जिंदगी सोच समझ के खर्च करना। अरे मणि भाव, कैसा है मणि भाव? अपन भी गैंगस्टर बन गया। कैसा लग रहा है? दुनिया अपन के सामने फुके माफिक हल्की हो गई है, किसी को भी टपका देगा भाई। आजा जश्न मनाते हैं।
इस मर्डर ने तो पूरा शहर हिला डाला। शंकर चौकन्ना रहना, सेंथिल जेल में आ गया है, अब थोड़ा सा होशियार रहना। अरे कोई भी आने दे, अनानास के चक्कू से छील डालेंगे अपुन। ये क्या करे हटना रे, इधर आ रे, नीचे बैठ। कहाँ से है तू? ओटेरी से। ओटेरी से? हाँ भाई। और अपुन कौन है? आपने मर्डर किया है। बच्चा बच्चा अपुन से डर रहा है। जीजू, जैसे ही अपन की आंख का शटर बंद होता है ना, वो कलेश्वर अपन को दिखता है। अपन को बहुत डर लग रहा है जीजू। अरे कुंदन, काहे को तेरी इतनी पुक-पुक हो रही है? अगर हम लोग उसको चाकू नहीं मारते तो वो अपन लोग को चाकू मार देता। ए, चल रे। ए, कहाँ जा रहे भाई? बैठ। पेशाब करने। इसको क्यों ले जा रहे? कंपनी देने। ठीक है जल्दी करके आ। क्या कर रहा है शंकर? तेरे को क्या लगा कलेश्वर का मार कर तू खुली सांस ले पाएगा? तेरी जात का अंडा मारू। सेंथिल भाई, आपके बच्चे जैसा हूँ। राजू जा, हवा फैला दे कि शंकर पेशाब करते हुए फिसल गया। भाई तुमको पता है मैं बचपन से फट्टू था, मैं नहीं मार सकता भाई। साहब, शंकर खुद के पेशाब पे फिसल के मर गया। तू भाई की ए, चल चल इस पे मातम मत कर। चल भाई की कचड़ी में समझा ना, पीछे चल। उधर उधर कुर्सी लगा, चल जल्दी कर। हाँ उधर कर। हाँ सब ठीक है ना भाई? वो जा पाँव छू ले जा। शंभू, तेरी अम्मा तेरे से मिलना चाहती है। अपन को उससे अभी नहीं मिलने का है। अबे तीन दिन से बस रोए जा रही है, कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। जा जाके एक बार अपनी झलक दिखा दे उसको, खुश हो जाएगी वो। क्या मुंह लेके जाएगा उसके पास? ले संभाल के ले जा। ए सिवा इधर आ। हां भाभी। शंभू तू भी इधर आ। सिवा तू शंभू को इधर काय को लाया? शंकर की मौत का जख्म अभी ताजा, इधर को समझ में नहीं आता। इसको काय को छुपाया था ताकि कोई इसको पहचान ना सके। शंभू तू निकल इधर से, जा लेके जाना इसको। हां जाते भाभी। भूरा भाई, सब अपन का गलती है। ए, ये मारना और बचाना जो है ना, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो उसका भला ही चाहते थे, अब उसका टेम आ गया, वो चला गया तो खून मत जला। ए, इसको लेके जा। हाँ भूरा भाई। तू मेरा छोटे भाई ऐसा है, तबलीग में याद करना। जा अभी कुछ खा पी के सो जा। उस दिन शंकर की जगह शंभू को मरना था, लेकिन शंभू को बचाने के लिए भूरा ने अपने भाई की बलि चढ़ा दी। अब शंभू भी भूरा के लिए अपनी जिंदगी की बलि देने को तैयार था। शंभू क्या कर रहा है उधर? अरे नीचे से दिख नहीं रहा है ना, इसके लिए ऊपर आया है। आया है दुकेला। हाँ दुकेला। कोना कोना देखना। तू जा और मस्त अदरक वाली चाय बना के ला। जा। क्या रे कुंदन? हाँ? किधर टहल रहा है? जीजू को ढूंढ रहा हूँ, अगरबत्ती की कांडी माफी के दिखाई नहीं दे रहे ले। अबे जीजू के बुला रहा है, शादी हो गई क्या? आशिक बोल आशिक। चुप रे, छत पे काम चालू होएगा। तेरे वास्ते ना अपन एक मस्त झोपड़ा बांधेगा। ए जा, अम्मा बुला रही है। अम्मा को बोल दाल पका, मैं आती है। अपन नहीं जाके बोलेगा, तू ही जा। ए क्या हुआ तेरे को? अपन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे को बहुत चर्बी चढ़े ली है। बकवास कर रहा है कुंदन, क्या हुआ रे? तेरे को नहीं पता क्या, पब्लिक तुम लोग पर कीचड़ उछाल रही है। तू जा अपन देखता है। हमने पार्टी का मीटिंग यहाँ रखा ना, तो नेताजी अपन के मदद से बहुत खुश हो गए। टिकट भी देने बोला, पर उस पर कोई केस नहीं मांगता है। अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो तो। अपन क्या कर सकता है? वो जेल जा रहे है ना, अगर उसके ऊपर जेल में कोई नया केस फिट हो गया तो बहुत मच होएगा। मैं चाहती है कि मेरा मर्द LMLA बने। तुम मेरे मर्द और भूरा का मांडवली कराओ ना। उसने भूरा को बहुत टोपे पहना है, भूरा काय के लिए सेटलमेंट करेगा? तू उससे शादी कर ले। अरे यार काम वाम का हो जाने दे, उसके बाद कर लेगा। अपन की बात मान ले। कुंदन तेरा बाप नहीं मारेगा। तेरे को पता है क्या, लोग बात का बतंगड़ बना रहे ले।
मैं तेरी दीदी है ना, मेरा हेल्प नहीं करेगा? अगर मेरा मर्द LMLA बन गया ना, तो मैं पूरा बस्ती का हाल ठीक कर देगी, और फिर भूरा को भी उसका काला धंधा करने में तफलीक नहीं होएगा। भूरा धंधे के लिए पार्टी काहे को बदलेगा? लोग अपने पिराफिट के लिए औरत तक को बदल लेते हैं, तो फिर दोस्ती के लिए पार्टी बदलने में काहे को प्रॉब्लम? ए भूरा, सोच के जवाब दे। अगर समझौता कर ले तो क्या फायदा होगा? वो पटेली उटेली छोड़ के टिकट लेके फुल टाइम नेता बनने की सोच रहा है। अगर वो सक्सेस हो गया ना, तो हम लोग को भी नेतागिरी मिलेगा, फिर नोट छापेंगे अपन। लेने गया रुद्रा, नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज। वैसे भी जब हम लोग का मैटर कोई फंसता है, तो हम लोग पॉलिटिशियन लोग की पनाह में जाते हैं ना। हम लोग का जिगरी है वो बंटा है, वो हमारी तकलीफ समझ के लेगा। उसको अगर चांस मिल गया तो अपनी जलाने का नहीं, सपोर्ट करने का भाई। अपन के बच्चे भी समझदार हो रहे, तंदे से आउट होना पड़ेगा। वो सेंथिल धोखला आदमी है, याद नहीं क्या राजन के मर्डर पे क्या किया था उसने? वो तो बच गए, नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते। जवान लोग को नशे का जहर बेचता है वो। हाय बद्दुआ की कमाई में बरकत नहीं होती, ऐसे आदमी पे भरोसा करेंगे? वो अभी फोड़ा इलाज नहीं किया ना, तो नासूर बन जाएगा। हाँ भाभी, इधर आ। सेटलमेंट होने से खून खराबा बंद होएगा, सब लोग चैन से जिएंगे। तू क्या चाहता है? काहे का चैन? धंधे पे कब्जा कर लेंगे वो। तो क्या फिर अपन लोग में सेंथिल से भिड़ने की ताकत है? क्या बोली तू? ताकत की बात करी तू? अबे दल्ला कहीं का, तेरे को मालूम है छोकरी लोग की दलाली करता था, और उससे ठस के रहा हूं मैं। तो सेंथिल के लिए मेरे पर चिल्ला रहा है गबरू? तेरे पे काको भिरूंगा मैं, वो भी उस सड़ेले के लिए। ए चंद्रा, साहब नमस्कार। साहब तो कैसा है भूरा? अपन मस्त है। सेंथिल तेरा टिकट कटवाना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? सेंथिल ने तेरे और वेलू को एनकाउंटर लिस्ट में डालने के वास्ते किसी को पैसा खिलाया है। घर से मत निकल। बहुत शुक्रिया साहब। कमिश्नर बोला एक नई एनकाउंटर लिस्ट निकली है, लिस्ट में हम दोनों का भी नाम है। ऐसा कहो, 3 साल से एक भी केस हुआ है क्या तुम लोगों पे? इलेक्शन आ रहे है ना, तो दो एक गुंडे लोग को टपका के अपनी लाल करना चाहते हैं। वो गलत फैमिली में सेंथिल नहीं, हम लोग का नाम लिस्ट में डलवाया है। वो सामने से गले मिलते और पीछे से पीठ पे वार करता है, हम उसी का पैतरा उस पे आजमाएंगे। वेलू, तेरा घर तो वहाँ झोपड़पट्टी में है ना? हाँ, लेकिन झोपड़ी में समंदर का ताजा हुआ बहुत मस्त आता है। मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से स्टोर में पाला है, तेरे साथ झोपड़पट्टी में उसे मरने को भेज दूँ? तू कुछ करता तो है नहीं। बापू झोपड़े में रहता है, पंदिल बहुत बड़ा है। ए, बीच में मत बोल, बाप मैं हूँ कि तू है? कहाँ कहाँ से उठ के चिढ़ जाते हैं। देख ससुर जी, ये बेइज्जती से ना अपन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपन को उसे पीरे में, उसके लिए अपन काला पानी पीला पानी सब सजा झेल लेगा। तू खाली कन्यादान करने का सोच, कन्या का अपन सोचेगा। अपन को मालूम है उसका शादी किससे बनाने का है। अगर तुम लोग भाग कर शादी बना लिया तो मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा, कचहरी जाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं तेरे ऊपर लारी चढ़ा देगा। चल भाग। अरे बैठ ना, तू भी तवे पे है क्या? पद्मा और मेरा पीरे में। ए, मेरा सोफा गंदा मत कर, चलो निकल बाहर। ये बुड्ढे को बात करने की तमीज है क्या? अकड़ ऐसे राजे से प्रधानमंत्री हो, वैसे भी लड़की काली है। चल। काली दिलवाली होती है, तो चुप ना। अपन बुड्ढे को बाटली में उतारे और तू वापस चढ़ा रही है। अरे थोड़ा सोचना। ए भाई रुकना, मौसी क्या कर रही है? अब अगर बाहर नहीं निकला तो मैं आदमी बुलाएंगा, चल निकल जाए यहां से। समझा इसको, नहीं तो चमकाएगी मैं। अरे अपन पद्मा को लेके जाएंगे, तू चुप ना। लेके जाएगा, चल ले जाके दिखा। मैं इधर ही बैठा हूँ, देखता हूँ कैसे जाती है। बड़ा ये झोपड़पट्टी। क्यों डर गया? डर के मारे तेरी हवा निकल गई बच्चे। डर तो रहला है अपन, पन खुद की नहीं तुम्हारी बेइज्जती से। अगर वो अपन के साथ भाग गई ना, तो तुम्हारा नाक कान सब कुछ कट जाएगा बूढ़ो, और फिर शादी के बाद कभी अपन से नजर नहीं मिला पाओगे। नजर मिलाने के लिए तुमको गॉगल पहनना पड़ेगा। अपन सही बोल रहे ना, लेकिन पहले अपन का ससुर हाँ बोलेगा, उसके बाद ही अपन हल्दी और तेल लगा के आएंगे। इस जन्म में तो अपन हाँ बोलने वाला ही नहीं है। अरे चुप अड़ियल घोड़े, एक पैर कवर में दूसरा केले के छिलके पे, लेकिन अकड़ कम नहीं हो रही। इसके साथ पिछले 8 साल से पद्मा का टाका भिड़ा है, सुनना तो अपन को पड़ रहा है ना। पिछले 8 साल से ये पद्मा की बॉडी का गार्ड बना हुआ है। बड़ा आया, शादी नहीं करवाएगा बुढ़ाऊ, दूखे कर रहा है। कुंदन, अरे अपन का काम तूने कर डाला। ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। कुंदन मुंह बंद कर, वो हमारा बापू है। तू ज्यादा एक्टिंग मत कर, चल निकल। जीजू लेके जाओ इसको घर, बुड्ढे को तो अपन देखता है। ए, तू जल्दी से शंभू के साथ चली जा, वरना तेरे बाप को ये और मारेगा। जा। तो निकल, मैं संभाल लेगी। चौथे घर में डाल और मंदिर चल। मंदिर काय को? अरे शादी करने को, और काय को? इतना उतावला मत बन, मुहूर्त निकालेगी मैं। जाके अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ कर, बाद में शादी करना। ठीक है सासुमा, पहले जाके दाढ़ी बना। काय को रे? चुपती है रे। कोपचे में बहुत हो गया पद्मा, अब डंके की चोट पे करेंगे। हाँ करेंगे करेंगे। चिकना बनाने का? हाँ ठीक है।
क्या मुर्दे की दाढ़ी बना रहा है क्या जो इतना दुखी है? हंसना। क्या शंभू भाई? ए शंभू, तेरे को भूरा भाई ने याद किया है। अपुन का एक हेल्प करेगा बेटा। अरे काई को नहीं, एक नहीं दो करेगा। तू सेंथिल को तो जानता ही है ना, वो मेरे साथ सुलह करने की बात करके फिर जेल चला गया। अपुन क्या सेंटिमेंटल है ना, तो अपुन भी सुलह करने को तैयार हो गया। बाद में पता चला कि अंदर सब झोलझाल है। जेल जाने से पहले भाई ने एनकाउंटर लिस्ट में हम लोग का नाम डलवा दिया। दोस्ती का नाटक कर रहा ताकि हम लोग की शक की सुई उसके ऊपर न जावे। अब भी अगर सांप को नहीं कुचला तो घर में घुस के अंडा दे देगा। उसको जेल में ही टपकाने गए। वो अपने छोकरों के साथ 7 नंबर ब्लॉक में पड़ेला है और कोई दूसरा वहाँ फटक नहीं सकता। वो बहुत छाना है, जब तक जेल में बैठा है अपने ब्लॉक से बाहर नहीं आएगा वो। लेकिन 11वें ब्लॉक में हमारे छोकरे लोग फील्डिंग लगा के बैठे कि कब वो ब्लॉक से निकले और कब उसको ठोक डाले। अबे बैठना, कटिंग मारेगा क्या? संतिल को नरक में पार्सल करने के लिए हमारा एक आदमी उधर होना चाहिए ना। कोई ऐसा जिसको वो ना जानता हो, और ये काम कोई हलवा नहीं है। उसका भरोसा जीतना मतलब नाक से चने चबाना है। लेकिन तू कर लेगा। सेंथिल को है ना केरम का बहुत कीड़ा है और उसको एक्सपोर्ट खिलाड़ी लोग बहुत पसंद है। इसका गेम देखेगा ना तो जिसने केरम में जाग किया ना वो भी इसका फैन हो जाएगा। अपन को क्या करना होएगा? तेरे को जेल के अंदर जाके उसके ब्लॉक में घुसना है। क्या सोच रहे? हट रही है तो बोल देना, उम्मीदवार की कमी नहीं है भाई। भाई आपके लिए जान भी हाजिर है, बोलो ना। बता इसको। अपन पे 2 केस चालू है, कल अपन जाके सिलेंडर हो जाएगा। तू और सेवा पुलिस स्टेशन के सामने लड़की के लिए राड़ा करने का, और मामू लोग को भी फोड़ना। ये खटमाल सब क्लियर है? अपन लोग जेल में तेरे को झूठ मूठ का टॉर्चर करेंगे। संतल का एक खबरी अपने ब्लॉक में रहेगा, इच वो खबर पहुंचा देगा। अपन लोग दुनिया को दिखाएंगे तू हमारा कट्टर दुश्मन है। संतल का खासम खास दोस्त है राजू, तू उसको बाटली में उतार लिया ना तो वो उसके ब्लॉक तक पहुंचा देगा। अरे सुनना, एक बार तू घुस गया ना फिर कैरीम के सहारे संतल को अपना मुरीद बना सकता है। तो चारा डाल के उसको ब्लॉक के बाहर लेके आ, बस उसको ऐसी जगह वार देंगे ना कि उसकी जिंदगी पलीत हो जावे। मरते दम तक हम लोग को याद करेगा, इस पे किसी को शक भी नहीं होएगा। मिल हो जाएंगे या? बोलो अंदर कब जाने का है? ते मान दे। क्या रे, लैंडी के दुले कपड़े पहना, कोई फंक्शन है क्या? ऐसे ही पहना है भाई, चलता है। या बेटा चलता है। शंभू ने अपने जेल में पहुंचने की पूरी स्टोरी राजू को सुनाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सेंथिल दादा को पता चला ना भारी पड़ेगा तेरे को। आए दूसरे लफ्जों में तू भूरा का गुलाम बन गया है, तेरे को इस्तेमाल करेंगे वो लोग। इधर 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 फटाफट। सोच सोच के अपन की हट रही है कि काय को अपन भूरा के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे। तेरे को एक बात बोलू क्या? कुछ भी बोल, सेंथिल दिल का अच्छा आदमी है रे। अरे छोड़ना जीजू, इन गुंडों के पास कोई दिल विल नहीं होता। छोड़ रे, पद्मा से शादी करके शहर छोड़ के चला जाएगा। क्या जाऊंगा जाऊंगा अगर रट्टा मारते बैठा है? इधर जाएगा बे, अभी मैं टॉप पे चल रहा हूँ। आज की तारीख में बड़े बड़े को टोपे पे मारता हूँ मैं, और मेरे को इस बुलंदी पे पहुंचाने वाला कौन है मालूम? तू। पर सेंथिल पे वार मारने की प्लानिंग तुम लोग की थी, कोई और भी ये काम कर सकता था। लेकिन क्रेडिट तेरे को जाता है, मेरा एक भी छोकरा सेंथिल को छू भी नहीं पाया। मौका तो तूने छीन लिया। अपन ठीक से वार भी नहीं पीना पाया। ए, उसको चंदन की लकड़ी में जलाता ना तो और महक जाता हो। उसकी विदाई हीरो की तरह होती है, जगह जगह उसके स्टैचू बन जाते। अभी तूने उसको अपाइज बना डाला तो सोते जागते खाते पीते हकते मुते वो मेरे को याद करेगा। आगे से कोई भी मेरे से आड़ा फटने से पहले 10 बार सोचेगा कि इससे मचमच किए तो अपनी भी ये हालत होगी। अपने पास काम धंधे बहुत है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, देसी दारू के अड्डे, अपने कंट्रोल में। तू अपन के साथ आ जा। अपन है, बेलू है, और तीसरा हिस्सा तेरा। नहीं भाई, बचपन से अपन कैरम का पिलियर बनना चाहता था। अपन की माँ ने ब्लाउज का सिलाई कर करके अपन को पाला, अभी अपन उसको आराम देगा। अपन उसको तराजू में रख के सोने के वजन के बराबर तो नहीं तोल सकता, लेकिन उसको 2 वक्त का घी में तला हुआ पराठा खिलाने का औकात रखता है। जब से अपन ने सेंथिल को मारा तब से अपन का जमीर लड़ाई कर रहा है कि अपन ने बहुत गलत किया। बेटा ये कैरम पे एक बाल्टी पानी डाल दे और अपन के साथ में आ जा। भाई अपन को केरम से पिरे में, अपन केरम खेल के अपन की जिंदगी संवारेगा। अपन को जाने दो भाई, रुद्रा भाई भी अपन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपन केरम क्लब को संभाले, और अपन भी वही चाहते हैं। अरे यहाँ चाकू पकड़ने की लोगों को तमीज नहीं है और बोल बचन करते हैं, लेकिन तेरे अंदर इतनी डेरिंग है कि तू बिना चाकू के बड़े बड़ों की पैंट गीली कर देवे। भाई ये गुंडागर्दी और पटेल में कुछ नहीं रखा है, चलता है अपन। दिन गुजरने लगे, शंभू ने शादी बना ली और क्लब के बच्चों को केरम सिखाने का काम करने लगा। स्ट्राइकर को गन समझने का और गोटी को आतंकवादी, और पॉकेट उनके लिए नरक। आंख बंद करके उन पे निशाना लगा के गोटी को नरक में पहुंचाने का, बोले तो पॉकेट में, और हाथ पे पाउडर लगाने का, उससे पसीना नहीं आता है और ये स्ट्राइकर ना सूदिंगली जाता है। और एक बात ना हमेशा ध्यान में रखने का, कभी भी क्विंग लेने से पहले ना देख लेने का कि कवर है कि नहीं, अगर कवर है तो ही क्विंग लेने का। अपन बिल्डर के पास हफ्ता लेने गया था, उसने अपन को बटा दिया। इतना क्यों डाल रही है? आए,
खाते वक्त काय को डिस्टर्ब करेला है, इसको निवाला अटक गया तो? ऐसे ही रहा तो बहुत जल्दी बनिए की दुकान खोलनी पड़ेगी। पंटर लोग को देने के लिए पैसे नहीं है। अपन लोग को 60 बाकड़े का भाड़ा आता है, केबल टीवी का बिजनेस भी चल रहा है, इतना पैसा काफी नहीं है? कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है, हम लोग की गुंडागर्दी पे ग्रैंड लगेला है। इज्जत से मांगेगा तो काय को नहीं देंगे वो? आप उन्हें एक बार बात करके देखे। तेरे को पुलिस का नौकरी दिलाया ना तो चुपचाप पुलिस गिरी कर, झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनकी सुनेंगे वो लोग? तेरे को कंटा आप दो क्या? जय संभाल। अपन लोग की बस्ती तोड़ के रोड ना बने उसके लिए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ये लो साइन करो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर रोड बना तो हम रोड पे आ जाएंगे। रोड रोकने के लिए अर्जी है, इस पे साइन कर दो। जाके शंभू से करा ले, उससे ज्यादा पढ़ी लिखी तू है पद्मा, ट्यूशन भी चला रही है। साइन करना ले। शंभू। हाँ भाई। किधर भटक रहे? कैरम क्लब में है भाई, बच्चे लोगों को सिखा रहे। तेरी माँ और पद्मा किधर है? क्या बात है भाई, तारा एसएससी में पास होगी इसलिए प्रोग्राम रखे। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अक्की फैलमी के साथ आना, और अगर कोई चूरन की गोली दिया ना तो बेटा समझ जा। उधर पे सेंथिल भी रहेगा क्या? हाँ रहेगा। अपन को कोई पहचान लिया तो? कोई तेरी चेहरा पट्टी किया ही नहीं था तो कैसे पहचानेगा? बुरा और सेंथिल के बीच में अपन बहुत जल्दी सिलेक्टमेंट कराने वाला है, वो रोड कंट्रैक्टर ने अपन से रिस्क्वेट किए। कल यही टॉपिक पे अपन बात करने वाला है, कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना? अपन के घर का प्रोग्राम है, कोई लफड़ा नहीं होएगा। अभी सभी लोग को भूरा भाई का दिल से स्वागत करने का। ये अच्छा है ना? हाँ वही तो। डेंज गिरी क्या? भूरा, उनके पास वह है छुरा। छुरी? क्या रुद्रा ठाते हैं वो तो थे ना? बाबा जी। पीछे क्या? भाई हाथ गंदे हो। हाँ अंदर आ जा। वो कंट्रैक्टर को अंदर बिठा। भाई शंभू आ गया। आ जा। कैसा है छोटे? आ जा जा, पूरा जमघट लेके ले आ जा। तुम भी चलो ना भाई। ले ना, पीना 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 उसको, पीना ना, अल्ला गले में ये ले बांगड़े यार। भाई तुम बोलो सही किया कि गलत किया? इसमें बोलने का भाई ने बुलाया है। ओ भाई ऊपर है क्या? नहीं वो अंदर के कमरे में है। ये पद्मा ठीक है, अपन आ रहे हैं थोड़ा सा। वो कमरे में क्या? हाँ अंदर बैठा है। आ गया आ गया। क्या शंभू फैजा बेटा? कृपा है बट ये शंभू वो फैजल का लड़का है ना हमीद, सुना है वो तेरा बहुत खास है। हाँ भाई बोलो ना क्या हुआ? बेटा वन रूम किचन लेते लेते पूरी जिंदगी निकल जाती है, अगर उसको फोकट में मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या कर क्या रहा है वो? बसंत नगर में हमारे पास मस्त फ्लैट है, अगर वो चाहे तो मैं उसे एक फ्लैट दे सकता हूँ। समझा नहीं भाई। अपन समझाता ना, भारी ट्रक का आवन जावन करने के लिए ये भाई सड़क बना रहा है, वो सड़क तेरी बस्ती से गुजर रही है। अब सड़क पतली होने की वजह से बस्ती में बहुत लोग मरते हैं ना, सड़क चौड़ी हो गई कि तकलीफ खत्म। हमने सरकार से सारी परमिशन ले ली है। वो कान खजूरा सड़क रुकाने के लिए कोर्ट में अर्जी डाले ला है। वो ग्रेजुएट है इसलिए शाणा बन रहा है। शंभू वो हम लोग की बस्ती का है लेकिन तेरा दोस्त है इसलिए मोहब्बत से समझा रहा हूँ, ज्यादा चूचा करेगा तो डाल दूंगा। कल हम लोग की एक मीटिंग है उसमें सरकारी लोग भी आएंगे तो उसको वहां लेके आ, हम लोग मिलके उसको समझा देंगे। ठीक है भाई। चलता है। ठीक है जा। ये कर पाएगा? अरे बहुत बड़ा कराड़ी है, अटर्नी की जांच के ड्राइवर को देखिए मत सोच के वो चला नहीं पाएगा उसको, बहुत बड़ा करू है वो। क्या बोले भाई? कुछ नहीं खाली बात हुआ और कुछ नहीं। सब ठीक है ना? ये बस का टांग बांग दुखेगी, चल। सेंथिल भाई की फिरारी आगे ली है। ए कुंदन, कुंदन इधर आ। सेंथिल भाई की हस्ती जिससे कभी हिल जाती थी बस्ती। हाँ जीजू। पद्मा को बोल इधर से चलने का। पद्मा पद्मा चल घर चल। चलो मैं चलती। ठीक है जा। और मैं भी तो वही बोल रही थी उसको। चल हरीश भाई अपन निकलता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अचानक जाने को बोल रहा है तू? अरे सारा सवाल इधर ही पूछेगी क्या? चलना अभी चलते हैं बाहर। ए शंभू, अरे इधर कैसे? ए पकड़। भाई वो रुद्रा भाई ने बुलाया। तू भी तो वहीं का है, सेंथिल भाई भी आए ले। हाँ तेरी औरत है? हाँ नमस्ते, आप भाई से मिलाता हूँ। हाँ तू इधर ही चलो। आजकल भाई बहुत दुखी रहते हैं, सिर्फ कैरम की बात पे ही हंसते हैं, तेरे को देख के खुश हो जाएंगे। भाई देखो दीदार को कौन आया है, खुद ही देखो ना। नमस्ते भाई। शंभू और बैठ छोड़े बैठ। कैसा छोड़े? शंभू मस्त है, कुर्सी पे बैठ। शंभू मेरी बीवी आवाज दे रही है, जा। अच्छा भाई अपन उसको बोल के आ रहे हैं। बैठ ना। अच्छा और अभी भी खेलता क्या? क्या भाई? कैरम खेलता है? हाँ खेलता है ना।
मेरे को देख खेल ही नहीं पाता, गोटी जाती ही नहीं मेरे से। अच्छा, अभी मेरा आधा बॉडी छुट्टी पे लकवा। तू खेल और नाम कमा, कोई तंग करे तो बोलना अपुन को। बॉडी आधा काम करता पन वट पूरा अपुन का। बहुत ठुमका लगा लिए, चलो अभी ठूसने चलो। ए वेलू, जा खाना खा ले। क्या घूर रहा है बे? आज मेरे नहीं तो खुशी के मौके पे मातम बोल रहा लूंगा। खाना खाने के लिए आया है, चुपचाप बैठ जा अपनी कुर्सी पे। बीमारी का तेरे को ए कुमार, जरा गर्मी कम दिखा बेटा, तू अंडे में अभी चल बैठ बैठ उधर बैठ। ए शंभू, किधर जा रहा है वो अपन की औरत? चल बैठ, इधर गर्मा गर्मी हो रही है और तू जा रहा है? भाई अपना औरत वेट कर, थोड़ा रुकना। भूरा तो ठीक है? ठीक हूँ मैं, पर मैं ठीक नहीं हूँ। जिसकी दहाड़ से शेर भी काम जाता था, आज वो भीगी बिल्ली बने बैठा है। सब तेरी वजह से हुआ है। ए मारिया, जो हुआ उसको बदकिस्मती समझ के भूल जाना। खुशी के मौके पर ये सब बात करके क्या फायदा? मेरा मर्द हैंडीकैप हो गया है, मैं ये कैसे भूलेगी? महिला मंडल, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो पेट पूजा करो, चलो। अरे क्या कर रहा है बैठ के? ये शिवा, उठना, भाभी को बैठने दे। इधर बैठ। बैठो भाभी, बैठो। भाई मेरी बात सुनो, म्युनिसिपैलिटी का कुछ मीटिंग करने। अगर तुम दोनों मिल जाओ तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और बस एक बार ये रोड बन जाए उसके बाद मैं तुम दोनों को एक अच्छी डील देने का वायदा करता हूँ। अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अपन कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी है। तुम लोग को हरी हरी सूझ रही है, मेरा मर्द अपाहिज हुआ है। तेरा पति तेरे सामने जिंदा बैठा है ना, ये बात तेरे जीने के लिए काफी है। ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा। देखिए, उस 40 एकड़ जमीन की कीमत रोड बनते ही पूरे 100 करोड़ पहुंच जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हर एक को 5 करोड़ मिल जाएंगे। ये लोग ना इधर लड़ने के वास्ते ही बैठे हैं, कॉम्प्रोमाइज मुश्किल है। कॉम्प्रोमाइज में करेगी, लेकिन जिसने मेरे मर्द पर हमला किया ना वो अपन को मांगता। अरे कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि पुराने गिले शिकवे को मिटा के आगे बढ़ने का। तुम गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती हो? मेरे मर्द को देखकर मेरा जिंदगी कम हो गया है, मेरे को वो लड़का चाहिए बस। कौन सा लड़का चाहिए? 10 लोग ने हमला किया था, अभी अपने को क्या मालूम कि तेरे पति को किसने घुसेड़ा। ए, कुछ भी मत बोल, अपन उधर ही था। अरुण ने अपन को फोन पे बताया था कि तुम लोग का एक खासम खास आदमी अपन के ब्लॉक में है। अरुण कुछ और बताता उससे पहले तुम लोगों ने उसको टपका डाला। अभी हम लोग को बता वो मनुष्य है कौन। भूरा, इतना तो कंफर्म है कि वो तेरा गुंडा नहीं था। अगर तेरा गुंडा होता तो जगह पे मेरे मर्द को टपका देता। ये सब एक प्लानिंग है ताकि धंधा बंद हो जाए और मेरे मर्द का जो दबदबा है वो भी खत्म हो जाए। सही बोल रही है ना मैं? अपन को इंसाफ मांगता है। अगर ये लोग इतना बोल रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं जाते? आखिर परेशानी क्या है? सिर्फ उसका नाम ही तो बताना है, और पता है इसके बदले में हर एक के खाते में 5 करोड़ दिखाई देंगे। अरे इतना फायदा तो किसी बिजनेस में नहीं है जितना इसमें है, सोचो मत। बच्चा अगर जांग पर पेशाब करता है तो क्या अपन जांग को काट के फेंक डालते हैं? नहीं ना, उसको धो के साफ कर देते हैं। अपन को कुछ नहीं मालूम, अपन को वो आदमी चाहिए बस। अरे क्या तोते की तरह रट्टा मार रही है? रट्टा नहीं मार रही है वो, उस आदमी के बिना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ए, उसको हवाले कर दे वरना सबको कब्जा कर दूंगा। क्या बे? ए बेलू, बोला का प्रोग्राम है, कोई हवाला नहीं होगा। ए बेलू, तू मैं बात कर रहा हूं ना, मेरी बात। ए समू, चल जा तू। ए आराम से, ज्यादा आवाज नहीं। मैंने इस मीटिंग के लिए कितनी मेहनत की, सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ कभी रोड नहीं बनेगा। ए म्युनिसिपैलिटी, अक्का लफड़ा तेरे ही वजह से हो रहा है। ये सब क्या मगजमारी चल रही है? बताते अपन, आपने भूरा का साथ देके सही किया कि गलत आपको पता नहीं? जब उन्होंने हमलावर का नाम पूछा तो भूरा कान में तेल डाल के बैठा था। डर लगता है कहीं उसने आपन का नाम उगल डाला तो। तूने भूरा का साथ दिया, वो ऐसा नहीं करेगा। अरे अपन ये लोग को राजन दादा के टेम से जानता है, अपने प्रॉफिट के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। सेंथिल, भूरा, वेलू, रुद्रा और चंद्रा, इन सबको शंभू से जोड़ने वाला सिर्फ एक ही स्टार था, राजन। फॉरेन से स्मगल किया हुआ माल यही तेज चलने वाली नावों से किनारे तक आता था, जिसे राजन मार्केट में लाकर बेचता था। और वो माल होता था टीवी, फॉरेन की सिगरेट, फॉरेन की दारू, जूते, जीन्स। अरे क्या भटक गया है क्या? राजन, नेताजी ने बुलाया है। बुरा, तू सारा माल गोडाउन में रखवा दे। ठीक है। रुद्रा, तू पुलिस स्टेशन में जाके रमेश से मिल। आओ। ए अमित, कंचे के बजाय कैरम बोर्ड खेलेगा तो फायदे में रहेगा। ये आपके हाथ में क्या है? बाइनोकुलर है रे, दूर का चीज पास में आ जाता है। अपन को भी दिखाओ ना। इसमें झांकेगा? हाँ भाई। ले पकड़। ए राजन जी, नमस्कार। आजा ऊपर आजा। अरे ला, अरे ला, सीढ़ी पे कोटा ला नहीं लगाया रे। नेताजी बोलो ना, काय को याद किया?
और सब ठीक चल रहा है ना? कृपा आपकी, पहली बार इतना बड़ा स्मगलिंग किया, लाखों का माल होएगा। हाँ तो ये पास में बंगला बना ले और ऐश कर। अरे नहीं नेताजी, जब तक समुद्र के खारा पानी का हवा नहीं लगता खाना ही नहीं हजम होता है। क्या है ना नेताजी, अपुन के उधर रहने से ना अपुन सबका ख्याल रख सकता है, अपुन के मर्जी के बिना कोई अंदर ही नहीं आ सकता है ना। वो बस्ती ने हेडक्वार्टर है। तू बहुत अच्छा आदमी है रे। मैं क्या कह रहा था कि अरे ये सेंथिल है, अपुन का ही पंटर है नेताजी, आना बस्ती का ही है। ए, तू कुमार स्वामी का बेटा है ना? वही पकड़े। बिल्कुल अपने बाप की नाक पाई है। अपुन के लड़के लोग में सब में सार पाई है। हाँ बैठ। अरे ठीक है ना नेताजी। अरे शर्मा क्या रहा है भाई? अरे हाँ बैठ, बोलो ना। ऐसा है, अगले साल बाहर की कुछ कंपनियां यहाँ फैक्ट्री लगाना आपके लिए ग्लास बनाऊं, आप बोले तो। अरे वो तो ठीक है, पहले सुन तो ले। मैं क्या कह रहा था, हाँ याद आया, ये जो अपना मरीना बीच के पास बस्तियां हैं, वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर तो फैक्ट्रियां लगेंगी ना। फैक्ट्री लगेगी, लोगों को काम मिलेगा। जी अपुन के बस्ती के जो लोग हैं वो किधर को जाएंगे? अरे कमाल करता है, हाईवे के किनारे हाउसिंग बोर्ड में। अरे पक्की 10x10 की खोली बना के देंगे, कॉमन टॉयलेट के साथ, और शहर से बाहर थोड़ी भेज रहे हैं उनको, वहीं पास में ही तो है, हवा पानी तो वहां फ्री है ही, और ऊपर वाले की लाइट भी फ्री है। और हाँ आंगनवाड़ी मैं खुलवा दूंगा, अब 4 बजे उठ के तुझे जंगल पानी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेताजी अरे देख ऐसा है, कल म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग है, उसमें तू मेरा साथ देना। अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म होने वाली हैं। क्या है ना कि तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा प्रेशर डाला सरकार पे है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इनको अच्छा मकान बना के बड़ी बड़ी खोलियां दे दो, वो भी फ्री में, और बसा दो इन गरीब मछुआरों को वहां पर। अब रोड के किनारे घर रहेगा तो कहीं भी अगर जाना है तो फटाक से रिक्शा मिल जाएगा। क्या कहते हैं आप? गवर्नमेंट हमारे घर के लिए फ्री में पैसे क्यों देगी? इसके पीछे जरूर उनका कोई लालच होएगा। अरे सरकार तुमसे कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहती, वो तो बस इतना चाहती है कि मेरे जरिए तुम गरीबों का भला हो। चलो तुम्हारी बात अपन मान लेते हैं, अपन लोग तो मछेरे हैं, समंदर से दूर गए तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ला भाई इसमें कोई झोल झाल होता तो राजन मेरे साथ क्यों होता? अगर आप लोगों को कोई भी शंका है तो आप राजन से बात करो। अपन लोग राजन से बात करेंगे, हम लोगों का देवता है वो, उसकी बात हमारे लिए प्रसाद की तरह है। तो लो भाई साथ लो, राजन जरा समझाओ बेटा इनको। अरे वो पंखा पास कर जरा। गलत मत समझिएगा, अपुन हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, पर इस बार आपका साथ नहीं दे पाएगा, अपुन अपने लोग को धोखा नहीं दे सकता। अरे लोटनदास तू तो नेता बना फिरता है ना, तेरी जानकारी में भी है कि मीटिंग किस लिए हो रही है? राजन जरा अल्लू बोल। अरे इनसे पूछ तो सही कि हमारी जमीन पे क्या तामझाम करेंगे। समंदर के किनारे हम 60 फीट चौड़ी सड़क बनाएंगे और साथ में एक आइस फैक्ट्री भी। बोले तो बनाने के बाद बेची डालोगे ना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग टेंडर निकालेंगे ना। अबे टेंडर बोल के कर दिया ना झोल, अपन के पास पैसा किधर है टेंडर भरने का? जब अपन के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो तुम लोग दूसरे को बेच डालोगे, तुम लोग बनोगे करोड़पति और हम लोग बनेंगे रोडपति। हम लोगों से बस्ती खाली कराना कोई हलवा नहीं है, तुम लोगों को क्या लगता है अपन पढ़े लिखे नहीं है तो कोई भी हैंडल कर लेगा? ऐसी जगह वार मारेंगे कि करवट सोते टाइम बहुत तकलीफ होगी। ये तो वही बात हुई, अमीर की जोरू सबकी मैडम और गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा नहीं चलेगा। इधर नेता बना है तो सबको एक नजर से देख, हमने ही नेता बनाया है, अगर कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं। हम लोग बस्ती नहीं खाली करेंगे, तेरे को जो खाड़ना है वो खाड़। नेताजी के खिलाफ बोलता है, इधर चाकू आपको मत दिखा। राजन बोल। नेताजी इन लोगों की तरह भाड़े का लाया टट्टू नहीं, अपन लोचा किया ना तो लपाचा काट डालेगा, काट डालेगा, चल निकाल। राजन अन्ना हम लोग दिन भर बच्चा लोग के साथ घर में अकेला रहता है और चूल्हा फूंक कर खाना बनाता है, अगर उन लोग पुलिस को लेकर आएगा और घर से निकालेगा तो? सब कुछ ठीक ठाक होने तक हम लोग स्मगलिंग नहीं करेगा, दिन रात बस्ती में चलाएंगे हम लोग, रात को जाकर चौकीदारी भी करेगा। फिर भी आ गया तो उसको चाकू घुसेड़ डालेंगे, अगर तेरे सामने आ गया तो क्या करेगी? उसको एक खींच के देगी। हाँ ये हुई ना बात, मुंह काहे को लटका है बे? स्मगलिंग के लिए मना काहे को किया? आप उन लोग नहीं करेंगे तो दूसरे 1000 लोग बैठे रहे इधर, अपना बिजनेस काहे को बंद करने का? सेंथिल खाना कमाना तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, यही टाइम है अपने लोगों की मदद करने का। आज हम इन लोगों का साथ देंगे, अगर कल को तो इलेक्शन में खड़ा हुआ तो जीत भी सकता बेटा। मालूम है मेरे को तुमको मांगता है तो तुम बस्ती संभालो, स्मगलिंग अपन संभालता है ना। कर दी ना लुखों वाली बात, देख मैं कुछ दिनों के लिए स्मगलिंग बंद कर रहा है। अरे भाई दिन में चांद किधर निकला, माँ कसम इसके हुस्न से बस्ती में अंगार लग जाएगी। अरे हे संतिल इधर आ रे। अरे रुद्रा हाँ इधर आ छोटे। क्या हुआ रुद्रा, अपन को ऐसा लग रहा है कि वो गजरा पार्टी अपन को लाइन दे रही है, जरा देख के बता सही कह रहा हूँ ना? आप कोई टुकुर टुकुर देख रहे ली है ना? समझ में नहीं आ रहा, अपन का बालू जैसा दाढ़ी है फिर भी वो अपन को लाइन दे रही है। रुको अपन उसको आवाज देते हैं। ए गजरा पार्टी देख रही है, देख रही है ना? पेट अंदर पेट अंदर, स्टाइल स्टाइल। अरे यार रुक जा, गुगली मारो। बेटा रुद्रा आज से इसको भाभी बोलना शुरू कर दे तू,
इसको उठा के मंडप में बिठा दे। वो जो लाल दुपट्टा ओढ़ के बैठे है ना, वो अपुन के जीजा जी हैं। ए उधर शरबत है, शरबत देना उधर बेटा। अरे अपुन के लिए पानी सही है, तू पी लो उसको। अब ये तेरी जिम्मेवारी है, तेरे को ही खुश रखना पड़ेगा। तेरे को पाके अपुन का दिल बहुत खुश हुआ। समुंदर देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मन करता है इसमें गोता लगा दूं। अरे तो टेंशन मत ले, तेरी आंखें भी समुंदर जैसी हैं। अगर किसी दिन इसमें गोता लगा के गुम हो गया तो तफलीक तो नहीं होगी ना? चलेगा। सही कह रही है ना? भाभी कैसी लग रही है? अरे इसको देना। अरे नहीं बस हो गया, खाना बहुत बेहतरीन है। होटल में 100 रुपए दो तो भी ऐसा खाना नहीं मिले। अब इस बस्ती को खाली कराने का जिम्मा एक ईमानदार एसीपी के हाथ में आ गया है। दादा दादा वो पुलिस बस्ती में घुस गई लिए, आप निकल जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। वो घर की तलाशी कर रहे दादा। आपने छोकरे लोग को बटा दे इधर से। वो लोग पहले ही निकल गए दादा। पचास झोपड़ियों के बारे में मत सोचो, सरकार कानून के हिसाब से चलती है। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो उन्हें कंट्रोल करो, और अगर फिर भी न माने तो उन्हें अरेस्ट कर लो। ये बस्ती की आप लोग काय को वाट लगा रहे हो? ए राजन। यस, यहाँ पर हालात काबू में हैं। माइक टेन को भी बता दो कि यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ हुई तो हम संभाल लेंगे। नेता ने रपट दिखाया है कि इधर नकली शराब बनता है, इसलिए बस्ती तोड़ने को आए ले। इस बस्ती में सिर्फ अपन शराब बेचता है, बनता है तो अपन को सूली पर चढ़ा दे, खुशी खुशी चढ़ जाएगा, पर इस बस्ती को कुछ मत कर। क्या कर सकता है? इधर आ। सरकार आम जनता के लिए स्कीम्स निकालती है और तुम उन स्कीम्स का गलत फायदा उठाकर अपने काले धंधे चलाते और स्मगलिंग करते हो। जनता के रक्षक बन के भक्षक वाला काम कर रहे हो साहब। टोपी पहन के टोपी नहीं पहनाने का। अगर इधर की जनता भड़क गई ना तो पुलिस एसीडीसी कुछ नहीं देखेगी, नंगा करके भगाएगी तुम लोग को इधर से। क्या बोला तूने? नंगा करेगी, नंगा करेगी, नंगा करेगी। मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चल दिखा कितना दम है। एक छोटी सी बुलेट से आदमी उलट जाता है, हल्के में ले रहा था उनको। रमेश सरकारी फौजी को लेकर निकल ले, वरना बस्ती वाले जान ले लेंगे। वाले को मारेगा तो लफड़े में आ जाएगा। फिर आओ लोग जा रहे ले। चलो सब ए चलो रे, चौकी में जाके सब लोग यही बोलने का, रिपोर्ट झूठी थी, उधर कुछ नहीं ले ला है। मामू की वर्दी उतारो, समंदर में ले चल। अब तक तुम्हारा पाला घूसखोर पुलिस वालों से पड़ा है, लेकिन मेरे लिए ये वर्दी एक जुनून है जो पुलिस ने मुझे फर्ज निभाने के लिए दी है। मेरी ये बात याद रखना, चाहे जितने भी साल क्यों ना लग जाएं, तुम सबकी मौत के पीछे सिर्फ मेरा हाथ होगा। अबे 20 साल में रिटायर हो जाएगा तू। आदमी बदल सकता है लेकिन वर्दी नहीं। अबे इसीलिए तो हमने तेरी वर्दी उतार दी। इसके बदले क्या कोई इधर ही समंदर में बुझा डालते हैं ना? अबे अबे मत बुझा, सरकार पे प्रेशर डालने काम आएगा। ए यादव ए चल उसके बाल लेके चल रहे। और तेज चलाना, भाग जाएगा वो। ए राजन लंगर नीचे डाल दे रे, सरकार तेरी मांगे जानना चाहती है। ए राजन खुशी मना, सरकार तेरी बात मानने को तैयार है। अरे अभी जल्दी से बोल डाल जो तेरे मन में है, उस वर्दी वाले के साथ कुछ मत करना। अबे तुम वर्दी वालों ने तो नाम खराब कर रखा है, तुम लोग जनता का काम नेता लोग की चमचागिरी करते हो, तलवे चाटते हो उनके। अरे बस्ती दे दे, बदले में नेता तेरे को पैसे में तोल देगा। ए अगर जहाज भर के सोना देगा तो भी अपन बिकने वाला नहीं है। अपन को लिख के दे कि बस्ती का बाल विभाग नहीं करेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पुलिस वाला व्हेल मछली के साथ कुश्ती करेगा। बहुत जिद्दी है सर, हमको एसीपी जिंदा चाहिए तो उसकी बात माननी पड़ेगी। अब बस्ती में कोई सरकारी आदमी। इस बात को बहुत साल गुजर गए, ये तब की बात है जब शंभू बहुत छोटा था, पर लोगों को अब भी याद है कि कैसे राजन ने पुलिस को वटा दिया था और अपुन की बस्ती को खाली होने से बचा लिया था। अब अपुन लोग की बस्ती में कोई भी सरकारी चोर घुसेगा तो उसे खदेड़ डालेंगे। अब हम लोग को बस्ती की उन्नति के लिए क्लब बनाना मांगता है। तब से राजन ने बस्ती में किसी नेता को घुसने नहीं दिया और ये बात सब पार्टियों को खल रही थी। वो बस्ती में तभी घुस सकते थे जब ही राजन टपक जाए, इसके लिए उसे मारने के लिए वो सही मौके की तलाश में लगे। उसी में चंदा मामा लगाने को आए। बस्ती अपन के कंट्रोल में, इसीलिए वो लोग पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। कोई भी खादी वाले को अंदर मत आने दे। भाई जैसा बोलेंगे वैसे ही करो। अरे ऐसे क्या देख रहे लिए, अभी तो अपन अखा तेरा ही। सेंथिल को राजन की ये बात पसंद नहीं आई, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब आप राजा राम से समाचार सुनिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमजीआर का अभी अभी देहांत हो गया है, वो 70 साल के थे। सरकारी सूचना के अनुसार एमजीआर की मौत। ए वेलु इधर आ। एमजीआर की मौत से मुत्तू को आखिरकार वो मौका मिल गया।
पोस्टर चिपका डाल। एक घंटे में चिपका डालेंगे। देखा अपन नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए जा रहे है। इधर सबको संभालना। संभाल लेगा दादा। नेताजी बोल रहे कि उनकी फीएट में बहुत जगह है, अपन लोगों को बुला रहे। फीएट का लालच मत दे अपन को, अपन पैदल जाएंगे वो चलेगा। देश भर के नेता उनको अपनी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। तमिलनाडु की जनता में जब राजन एमजीआर के लास्ट दर्शन के लिए मद्रास पहुंचा, तभी पिच्छू से नेताजी ने सेंथिल को स्मगलिंग के लिए समुंदर में भेज डाला। इधर सेंथिल राजन के आदमी लोग लेकर समुंदर में पहुंचा, उधर नेताजी ने पुलिस को खबर कर दी और राजन के कुछ पंटर लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अपन ने स्मगलिंग के लिए मना किया था ना। पहली बार राजन अपने आदमियों पर भड़का। मिनिस्टर साहब आखिरी सफर पे गए, इसलिए सब लोग बहुत दुखी थे, सबको दारू मांगती थी, इसलिए ऐसा किया। ये काम नेताजी ने करने बोला, बोला इतना पैसा देंगे अखी जिंदगी काम करना नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा तो खाई में भी कूद जाएगा। तेरी वजह से अपने छोकरे जेल चले गए, अपन लोग से बदला लेने के लिए उसे तुम लोग को चारा बनाया। ये चले खाए को पुलिस अपने को ढूंढ रहे लिए, पकड़े गए तो पुरानी फाइल खोल के अंदर कर देंगे वो लोग। दादा आप इस मैटर को सुलझाओ ना। स्मगल करने से पहले पूछा था, जा उसी नेता के तलवे चाट। और अन्ना अपन अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता क्या? तेरी मर्जी की वजह से ही मुसीबत का पहाड़ टूटा है। अबे कब बड़ा होगा तू? अपन के ऊपर से तुम लोग का विश्वास उठ गया क्या? अपन लोग भूख से मर भी जाएंगे ना अन्ना, क्या तो क्या फर्क गिरेगा तुमको? तुम्हारी जेब तो टकाटक भरे लिया ना। गर्मी आ गई क्या? चल चल फुट ले कल्टी। अन्ना अपन नहीं किया था, अपन से क्यों नाराज हो रहे? बोला ना कल्टी, समझते ही नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। ऐसा नहीं है, अपन भी उसको चमाट मार सकता था, पर बस्ती में उसका बहुत इज्जत है। अब ये राजन अन्ना के बिना अपन लोग का कोई अन्ना नहीं, गन्ना है वो। राजन अन्ना मेरे जूते की पॉलिश है वो, मैंने उस पर बहादुरी का प्लास्टर चढ़ाया। अरे जानता कौन था उसको? उसको हटाकर तू बन जा बस्ती का राजा। अपन तो हटा डालेगा, पर क्या है कि भूरा आड़ा फटेगा ना, वो चमचा है। अरे तो भूरा को भी अपनी टीम में ले लेना। पर नेताजी भूरा राजन का वफादार है। वफादारी बेवकूफों का काम है, लेकिन तुम लोग तो चतुर हो। अन्ना ने लाफा मार के बहुत गलत किया। बहुत शाना है वो, प्यार करके शादी बनाया, अपने लिए पक्की खोली भी बना डाला, हम लोग बस उसके दर के भिखारी हैं। आप उनके बस्ती के छोकरे पकड़े गए, इसीलिए अन्ना गरम हुआ। तुम लोग कुछ भी फिल्म बना भाई, इसलिए तेरी सुलग रही है। पर उस छोकरी से शादी के बाद तेरे को उसने अपने घर से हकाल दिया है, तू अपन का बात लिख के ले ले, वो छोकरी उसको ले डूबेंगी। तुम लोग खाली पीली ख्याली पुलाव मत बनाओ, चलो अन्ना से बात करते हैं। हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग की उधर बेइज्जती हो गई। तू दादा को लेके आ इधर। अन्ना आ छोटे, अंदर आ, चंद्रा प्लेट लेके आ। अपन को भूख नहीं है, अपन को लगता है कि सेंथिल नेताजी से मिल गया है, कहीं उसके चपेट में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। तुम चलो ना बात करने के लिए। ए जानू मेरे को अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, तू अभी मत जा। अपन के छोकरे लोग जरा नाराज है, समझाना पड़ेगा उनको। अपन ने सबके सामने उन लोग को मारा ना, होटल में बैठे सब लोग, अपन जाता है समझाता है। अपन अपने बस्ती वालों के लिए पुलिस से तो क्या आर्मी से भी लड़ लेगा, बस तू अपना ख्याल रखना। जल्दी आना, मैं तेरी राह देखेगी। हाँ है ना, अपन लगाते। नमस्ते भाई। हाँ ए सिंधिल, क्या कर रहा है छोटे? फोन पे बात कर रहा हूँ भाई। ए कलेश्वर अंदर चल, इधर मच्छर बहुत है। अपन इधर ही ठीक है। ए बुरा आ दादा, क्या है सब? ये हम लोग नहीं है, हम लोग तो अभी आए। साफी मारने बोलना उसको। तुम लोग अपन से नाराज है क्या? चार लाफा और मारते चलता था ना, अपन सबके सामने मारा वो अच्छा नहीं लगा। सिंधिल अपन बाहर वालों पे हाथ उठा सकता है क्या? तुम लोग अपने हो रहे, अपन लोग कब से स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कभी अपने गिरेबान पे हाथ नहीं डाला। अपन लोग खुद से पुलिस को अपना माल पकड़वाते थे, फिर हम लोग अपना मनचाह केस बनवाकर आदमी को पिच्छू के गेट से निकलवा लेते थे। इसको बोलते हैं सिटिंग। अपन लोग जो काम कर रहे हैं उसे बस्ती पर आंच नहीं आना चाहिए। अरे लोल्टी भी कोई चीज होती है कि नहीं? कुपचे में ले जाके समझा देते थे सबके सामने। कटर छाप तेरे को डॉक्टर मना किया है ना, अंग्रेजी पीना चाहिए। ए रुद्रा डूक सोडा ला के दे। अगर अपन तुम लोग को कोपचे में ले जाके मारता तो बस्ती वालों को कैसे पता लगता कि अपन तुम लोग से नाराज नहीं है? चिचा एक सोडा देना। नहीं है, खत्म हो गया। उन लोग को बहुत चढ़ गए लिए, तू उन लोग को संभाल, मैं सोडा लेकर आ रहा हूं। जा अभी जो लोग स्मगलिंग में अंदर गए ले, उन लोग को लॉकअप से निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक इस बस्ती में हीरो माफे घूमते हुए मत दिखना, इससे जो लोग अंदर गए ले उनकी फैमिली पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। रे रमेश से बात हो गई, उन लोग की बैल हो जाएगी, उन लोग के बाहर आते ही अपन तुम लोग का स्मगलिंग का बिजनेस शुरू करवा देगा, फिर धड़ल्ले से करना।
क्यों करे सर, कोई तफलीक तो नहीं ना? सेंथिल को प्रॉब्लम नहीं तो अपन को क्या तफलीक? ऐसा काहे को? दादा उसको ज्यादा अकल है। अच्छा अपन कम समझदार है दादा। तो तू दूध में छुहारे पका कर वो दूध पिया कर। ऐसा नहीं है दादा। तो फिर कैसा है रे? हम लोग तो आपके चेले चा पड़े दादा। तो फिर काहे को टेंशन लेता है? इशारे पे सब कुछ लुटा दे। देख बिलू तू इतनी दारू मत पिया करना है, लीवर खराब हो गया तो क्या करेगा, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा। अबे येड़े तो सही नहीं कर रहा। तू इधर काय को आया, उसको टपका नहीं करा? अपन उसको काय को मारे, उसने अपने को पुलिस से बचाया। राजन की नस नस से वाकिफ है, वो अपन लोग को सेंटिमेंट कर रहा है। ए, वो सब अपने को नहीं मालूम है। देख अपने को उसको टच नहीं करना, पूरा अपन को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो इतना अच्छा आदमी, काय को मारने का उसको? जैसा अपन लोग ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वैसे ही है जो अपन ने सोचा, वही करेंगे। उसका गेम बजाया ना तो हम लोग तकलीफ में आ जाएंगे। उसको मारने का प्लान बनाया हम लोग, उसको भनक लगी तो गाड़ देगा हमको। कैसे भनक लगी? अरे रुद्र ने बताया होगा ना, वो फूल तैयारी करके आया है, अपन को टपकाएगा। ए संते हां ना आ जा रे, वो वेलू उल्टी कर रहा है। अबन आवे क्या? नहीं आप तकलीफ मत करो, अपन संभाल लेंगे इधर। अरे तकलीफ कैसे रे बाबा? दिल ये गलत है, अभी बोल रहा हूं। बंटी आ जा, चेयर पर बैठ जा दादा, आराम से बैठो दादा। ताका जाकी मत करना भाई, टेबल के नीचे सिलो टेप से खंजर चिपका है, देख लिया तो? देख लेते, फिर तो आज उसका गेम पक्का है। भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे अपुन को भी डर लग रहा है यार, इसके लिए बोलता हूँ उसको खत्म करता है आज। संतिल मान जा, बेलो ये सही नहीं हो रहा है भाई। तू पलटी मार रहा है। बोल रहा हूँ तेरे को, तू गलत है। तो तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? लो बोलना, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग को जो करना है वो करो। तेरी खामोशी से मुझे डर लग रहा है भाई। क्या करेगा, उसने टोपा दे दिया ना, अभी अपन को कुछ तगड़म लगाना पड़ेगा। अपन तो बोलता है कोई अच्छी लड़की देख के फैमिली बसा डाल। दादा शादी के बारे में तो तभी सोच सकता हूँ जब आपकी लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अरे अभी भी उल्टी हो रही है क्या? अभी पहले से आराम है। भोरा तू पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा क्या रे? अरे नहीं दादा, नेतागिरी का काम अपने समझ में नहीं आ। चंदेल तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, पक्का बोलता है बहुत ऊपर तक जाएगा तू, लेकिन वो नेता का पीछा छोड़ दे, वो आदमी हम लोग को ले डूबेगा। मार्केट में अलग अलग तरीके के हवाएं रहे, लेकिन अपन लिख के देता है कि एमजीआर की गद्दी पे जयललिता ही आएगी। एक बार अम्मा आ गए ना तो अपन के वारे ना, देख लेना तू। रामा वीरप्पन और हाँ। दूसरे पुराने चावल भी है ना? अरे वो लोग बुढ़े हो गए ले बेटा। लेकिन दादा पुराना चावल पकने पे महकेगा। ये बुढ़े लोग से पॉलिटिक्स का कारोबार नहीं चलेगा। पॉलिटिक्स में कोई भी आ जाए अपनी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन लोग का स्मलगे का धंधा चलता रहा है बस। अंदर की बात ये है कि एमजीआर अभी तक मरा ही नहीं है। तो नया सोसा छोड़ रहा है, उसने इसको नजरअंदाज कर दिए। उसके कलाई की घड़ी देखे ऐसा? उसमें बहुत भारी सेटिंग है। हाँ। जब तक दिल की धड़कन चलेगी तब तक घड़ी चलेगी। उसकी घड़ी देखो अभी तक चल रही है। तूने देखा क्या? अपने छोकरे लोग ने उसकी घड़ी की आवाज सुने, टिक टिक टिक। एमजीआर ये चेकिंग कर रहा है बेगम भागी बंद कर रहे, उसका वफादार है और कौन गद्दार है, चुरन दे रहे ला। अगर आपको मजा लग रहा है ना तो कल परसों का पेपर पढ़ लेना। ए सेंथिल पॉलिटिक्स में जाना है ना तो भोरा से 500 कदम दूर रहने का। दादा आपको अभी तक अंदाजा नहीं है किसके बाद अकेले है और किसके बाद नहीं है। सामान किधर से आए रे? तुम लोगों ने मंत्री से अपुन को मारने की सुपारी ली है क्या? चंद्रा अपुन को बोल रही थी उधर नहीं जाने का, लेकिन अपुन ने सुनी नहीं। ये दिन देखना पड़ेगा, अपन ने सपने में भी नहीं सोचा था। ए हथियार निकल रहा है। ए संदेल क्या किया है तूने? हम लोग ने डिसाइड किया था नहीं मारेंगे इसको। अपनी मारते तो ये मार देता। किससे मारता? कोई हथियार ही नहीं है उसके पास। बहुत बड़ी गलती किया। ए मार रहे। संदेल क्या हो गया बेटा तेरे को? बोरा वेलो ये अपना प्लान नहीं था दादा, मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं दादा सोनो नहीं, छोड़ अपन को मार डालेगा ये। वेलो क्या कर रहा है दादा? आप ऐसा मत करो, हॉस्पिटल लेके जाएंगे दादा को। मुजरा चल रहा क्या? अरे आपने बना किया था बे, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ए कलेश्वर उधर खड़ा क्या गुस्सा लागी सही? ए अबे मत कर, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। क्या किया रे? अगर मैं नहीं गुस्साता तो तुम गुस्सा डालते। अबे तुम्हारी भैंस की टांग, तुम क्या भाई को मार रहे हो? आपने इसके लिए अन्ना को नहीं बुलाया था? मेरी बात सुन बे, मेरी बात सुन। भाई चलो इन लोगों का किस्सा यही खत्म कर डालते भाई, चलो ना। ये लोगों ने तो अपन पे वार किया, पर तू नहीं करना। अन्ना अपन सबको टपका डालेगा। तेरे को मेरी कसम है रुद्रा,
चलो ना। चंद्रा को मत बोलना इन लोगों ने अपन को मारा। रुद्रा रुद्रा चल यहाँ से। तेरे को भी चल, मैं तेरे को समझा रहे दिल। अब उनके बाद ये नेता लोग तेरे को टूसू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। बच्चा है बेटा तू। अपुन अपुन तेरे पैर पड़ता है भाई। तू तू जा इधर से, जा ना इधर से यार। पूरा तेरे को क्या लगा अपुन तेरे को मार देता? तू अपुन की अपुन से तेरा ये दर्द देखा नहीं जा रहा दादा। फट उसको, सो जा। मार और मार उसको। अपुन के दादा को कुछ नहीं, समाना हो गया दादा। हम सबको जोड़ के चला गया। तूने बोला था तू उसको वापस लेकर आएगा। मैं नाकाम हो गया। अरे राजू भाई चला गया। रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़। बाबे भाई की बॉडी आगे लिए दीदार कर लो। भाभी कुछ बोलना, तू बात नहीं कर रही है तो ऐसा लग रहा है अपने सीने में कोई गुप्ती से वार कर रहा है। ए भाभी रूठ गई रे। भाभी भाई मर गया, भाभी अपन छोड़ के चला गया, लेकिन अपन तेरा ख्याल रखेगा भाभी। देखना भाभी पूरा लाइन मारा है चेहरे पे उसके, पूरा चेहरे का मेकअप बिगाड़ दिया। भाई भाभी आई है फिर। अरे भाई जन्म तक साथ रहने वाला था ना, फिर काई को चला गया। अब मैं क्या करेगी, किसके सहारे जिएगी? बोल ना जानू, बोल ना, जवाब दे मेरे को। चंद्रा, राजन अच्छा आदमी था, उसके हथियारे को मैं छोड़ेगा नहीं। मेरे को अपना भाई मानने का, तेरे को कुछ भी मांगता है मेरे को बोलने का। चंद्रा थोड़ा रो ले, दिल में भर के मत रखना। मैं अभी नहीं रोएगी। मेरे मरद को जिसने मारा है वो अभी भी जिंदा है और खुश है। दादा दादा बोल के सबने इसकी पीठ में छुरा भोंक डाला। ए जानू, मेरे को तेरी सौगंध है। जब तक मैं तेरे एक एक दुश्मन का खून नहीं बहा देती, तब तक मैं अपने आंख से टेसू नहीं बहने देगी। जवान होते शंभू पर राजन का असर इतना था कि वो राजन जैसा ही बनना चाहता था। उसके बाद राजन की मौत का सदमा शंभू के दिमाग से कभी नहीं उतरा।
राजन की मौत के बाद बस्ती के लोग अपने आप को अनाथ समझने लगे। राजन दादा बस्ती के लिए देवता समान था, उसको भी ये लोग ने धोखा दिया। जिस काम के लिए राजन दादा खिलाफ थे उसी काम को ये लोग वापस करने जा रहे हैं। भूरा एहसान के बदले बस्ती वालों के खिलाफ अपन से काम करवाना चाहता है। वो चाहता है कि अपन हमीद को धोखा दे। अपन मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं करेगा। ज्यादा भेजा काय को खपा रे ला है। तेरे को जो से लगता है ना तू बिंदास कर डाल। अपन तेरे को फुल सपोर्ट करेगी। हम सरकार की तरफ से आपकी फरियाद सुनने आए हैं। हमीद ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है कि रोड नहीं बने। देखिए ये केंद्र सरकार की स्कीम है और इसका फायदा आप सब लोगों को मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आपकी बस्ती से कुछ लोगों को सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब आप हमारा काम छीन के हमें वो काम देंगे जो हम नहीं जानते। हमीद तू कब चुप बैठ? अबे तू बैंक में कर्मचारी है, बाकी सबकी तो बेरोजगारी है ना। देखो तेरा दोस्त शंभू पीछे बैठे है, उसके हाथ में कलम नहीं था, स्ट्राइकर था तो कैरम का चैंपियन बन गया वो। पर स्ट्राइकर से जिंदगी चलती है? रोड बनेगा तो आवन जावन का रास्ता होगा, तो कहीं जाके दो पैसे कमाएगा, घर पे भी देंगे और खुद भी जिएगा। अबे तुम लोग सोचे छोटी रखेंगे तो तरक्की होगी कैसे? इन योजनाओं की वजह से ही तो देश के गरीब तरक्की करेंगे। हम गरीब लोग के घर तोड़ने से ही तरक्की होएंगी क्या सर? तुम यही झूठी तसल्ली देने को आए ले ना कि रोड बनने के बाद तुम लोग को नए घर मिल जाएंगे, तो अपना अपना कंप्लेंट वापस ले लो। तो टेंडर निकालते वक्त हम लोग का इजाजत काई को नहीं लिया? अगर टेंडर के लिए हम लोग मना कर देते तो तुम लोग को झोल झपटा करने के लिए मिलता नहीं। इस फिरौड से कौन कौन बनेगा करोड़पति और कौन कौन बनेगा रोडपति आप उनको पूरा क्लाइमेक्स पता है। मैं भी नहीं समझा। ढंग से गटर तो साफ होती नहीं और तुम लोग बस्ती उजाड़ के नई बस्ती बसाने की बात कर रहे हो। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं। एजुकेटेड किधर से रे? अगर तुम पढ़े लिखे लोग हम गरीब मछुआरों के बारे में सोचते ना तो हमको समंदर से हटाकर हमारे पेट पे लात नहीं मारते। बचपन से अपन सुनता आया है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं लेकिन तुम लोग गरीबों को हटा रहे हो। ये 5 साल का व्यापार कब बंद होएगा? हर कोई 5 साल के लिए आता है, माल बनाता है और निकल लेता है। 10 साल से मैं यहाँ का कॉपरेटर हूँ, मैं खुद तकलीफ में हूँ, लेकिन कसम मैं सांसद भवन की तुम लोग के लिए फैक्ट्री बना के जाऊंगा। ये अफसर लोग को तो कुछ नहीं पता लेकिन तू आस्तीन का कान खजूरा है। कितने में सौदा किया हम लोगों का, कितनी कीमत लगाई? शंभू वो बाहर के है क्या? एक तो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, तू बकवास कर रहा है, इज्जत से बात कर। आप उनको रोक रहे हो, ये काम तो तुमको करना चाहिए। तुम लोगों ने क्या हमको बकरा समझ के रखा है कि जिधर हाँको उधर चले जाएंगे? बस्ती बसाने की बजाय तुम तो बस्ती उजाड़ने के बारे में सोच रहे हो। शंभू तू अपनी औकात भूल रहा? अफसर जो कह रहे हैं मान ले, यही सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए बोले तो सिर्फ तुम लोग के लिए ना? उस्ताद मत दिला, ज़बान खींच लूंगा तेरी। बेलो हम कॉम्प्रोमाइज करने आए हैं। ए शंभू जो तू बोल रहा है उससे किसी का फायदा नहीं है, ये डायलॉग मैं पहले बोल चुका हूँ। अच्छा तो फिर पीछे काई को हट गए? ये लोग कितने अच्छे हैं हमको मालूम है। जिसने बस्ती का भला चाहा उसी को बलि का बकरा बना के ये लोग ने मार दिया। ये लोग को बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। ए, सबर का इम्तिहान मत ले, नहीं तो बोल रहा हूं, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या है रे? जो बस्ती का भला चाहता है उसको धमका रहे हो? ए, तू बोल रहे तुम लोग सटिया गए हो क्या? सरकारी नौकरी मिलेगी तो अच्छे दिन आएंगे ना। देखना बनकर बता ये रोड से बस्ती वालों को क्या फायदा होगा? अरे फायदा पहुँचाना तो दूर की बात है, तुम लोग घर और धंधा छीन रहे हो। इलेक्शन के पहले हमारे पैर पड़ के हमसे वोटों की भीख मांगते हो और जीतने के बाद हमी को आंख दिखाते हो, मतलब हमारी बिल्ली हमी से म्याओ। और अगर हमने सही क्वेश्चन उठाया तो आप उनकी पब्लिक आपन को ही धमकी देती है। और झूठे केस में लपेट कर पुलिस से हमारी ठुकाई करवाने में भी तुम लोग पिछू नहीं हटते हो। तरक्की के नाम पे चूरन देना बंद करो। गरीब का घर छीन के आज तक किसका तरक्की हुआ है? अरे पटेल ही दिखाना है तो अमीरों को जाके दिखाओ ना। गरीबों के सीने में काय को मूंगफली भूंज रहे हो? अगर सही में तुम लोग के दिल में हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना तो हम लोग की झोपड़ी को डुप्लेक्स बना के दे दो ना, जो इम्पोसिबल है। भोरा भाई अपना बात दिल पे मत लेना, आपने आपका बेइज्जती नहीं किया है, बस्ती वालों से अपन गद्दारी नहीं कर सकता। भाई लोग जब हमीद ने रोड बनाने पर स्टे लाने की बात की तब तक आपन समझ रहा था कि सरकार जो करेगी ठीक करेंगी, और कुछ लोग अपने फायदे के लिए पूरी बस्ती को उजाड़ रहे हैं और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। वो गुंडे लोग हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? वो गुंडे लोग हैं तो क्या हो गया, खुद को गुंडों से बचाना गुंडागर्दी नहीं होती। अपन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन आकर हमको यहाँ से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो हम चले जाएंगे? अरे हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अब टाइम आ गया है कि आपस के झगड़े खत्म करके मिल जाओ और इन लोग से लड़ने का, देखते हैं कि वो लोग कहाँ तक जाते हैं। अपने दुश्मन लोग के साथ राड़ा करना अलग बात है, पर शंभू को अपन ही पाल पोस के बड़ा खेल है, ये ठीक नहीं, गलत है, ये अपना बच्चा है। एक काम कर, सेंथिल को बता डाल के शंभू ने ही वार किया था। ऐसा मत कर। अबे एड़ी तू समझ नहीं रही है, इससे ना दूसरे छोकरे पे असर। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर डाली, तू मेरा सोचने के बजाय उसका सोच रही है। भूरा तेरी बात नहीं सुना तो अपन क्या कर सकता है? मैं तेरे पास सेटलमेंट के लिए नहीं आई है, तेरे को शंभू का सपोर्ट करना होगा।
अब टेम आ गया है कि शंभू मेरे मरद के कातिलों से बदला ले। तेरे अंदर अभी भी बदले का कोयला सुलग रहा है, भूरा से शादी के इतने साल बाद भी? मैं क्या तेरे को रस्ते पे पड़ी औरत लगती है? मैं राजन दादा की औरत है। जब जब मैं भूरा के साथ होती है, अपने मर्द की मौत का बदला लेने के लिए और तड़पती है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किससे शुरू करूं और किससे खत्म करूं। राजन की मौत के बाद भूरा को मारने के लिए मैंने छोकरे भेजे थे। अगर पकड़े जाओ तो बोलना सेंथिल ने भेजा है, गलती मत करना। उस दिन शंभू बीच में आ गया, इसलिए भूरा बच गया। मेरी तो खोपड़ी शंभू पे फिर गई थी। फिर चिनम्मा ने मेरे को एक पते की बात बताई। चंद्रा, तेरे को जैसे लगता है वैसे होगा ही नहीं। तो मैं अपने मर्द की मौत का बदला कैसे लेगी, मेरे को बता। अगर भूरा जिंदा रहेगा तो ही तेरा बदला पूरा होगा। उसके दूसरे दिन भूरा मेरे को मिलने को आया। तेरी ऐसी हालत देख के मेरे को बहुत दुख होता है। उसका थोबड़ा देख कर मैंने सब कुछ भांप लिया। ये ले, कुछ पैसे रख ले। फिर सोचा मैं भूरा को पहले नहीं मारेगी, सबसे लास्ट में मारेगी। अगर मैं भूरा की छावनी में आ गई तो सबको आसानी से मारेगी। भूरा को टपकाना तो मेरे लिए गुड्डे गुड़ियों के खेल के जैसा था, लेकिन अगर उसको मारती तो बाकियों को कैसे मारती? भूरा को मैं गुलाम बना के रखना चाहती थी अपनी अदाओं का, इसीलिए मैंने उसके साथ शादी का फैसला किया। लेकिन भूरा और सेंथिल में पहले ही मांडवली हो चुकी थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच में नफरत की आग कैसे लगाऊं। तभी शंभू ने कलेश्वर को टपका दिया। पहले चाल की शुरुआत मैंने शंकर को अंदर करवा की। पक्की खबर है? भूरा को लगा कि शंकर और तू जेल के अंदर रहेगा तो सेंथिल कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने ये बात लड़कों के जरिए सेंथिल तक पहुंचा दी। भाई, खबर मिली है शंकर ने खुद को सिलेंडर कर दिया है और कलेश्वर को मारने वाला वही है। अपन भी खुद को सिलेंडर कर डालेगा ताकि जेल में शंकर को टपका डाले। मेरे को लगा था कि दोनों एक दूसरे को टपका देंगे, लेकिन राजनीति में आने के लिए सेंथिल ने भूरा से समझौते की बात की। इस बात ने मेरे को हिला के रख डाला। भूरा और वेलू भी मांडवली के लिए तैयार हो गए। तभी मैं रमेश को बोली कि भूरा को फोन करके बोल कि सेंथिल ने घुस देकर भूरा और वेलू के नाम एनकाउंटर लिस्ट में डलवाए हैं। इस बात ने एकदम जहर का काम किया। तभी सेंथिल को टपकाने के लिए भूरा ने शंभू को अंदर भेजा। अब शंभू इज मेरे मर्द की मौत का बदला लेगा। अब मेरे को बस इतना इज देखने का है कि शंभू के रास्ते का कोई रोड़ा न बने, और इसी वास्ते मैंने भूरा और वेलू के अंदर झगड़ा लगाया। मैंने झूठा इल्जाम लगाया कि जब मैं नारेली थी शिवा झांक रहा था। आखिर शिवा ने क्या किया? अभी को स्नान करते हुए देख रहा था। अरे भाई, भाभी माँ होती क्या बोल रहा है? क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है? अपनी बीवी से पूछ, शिवा झूठा नहीं है, वो झूठी है। तभी मेरे को लगा कि अगर मैं भूरा के साथ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। जाके तो बोल देना। जानू, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, मेरे को लज्जा आएगी। आज रात में भूरा को घर खाली करने के लिए मजबूर कर डालेगी। ये सब राजन की मौत का बदला लेने की कसम खा चुके हैं। मेरे साथ ये लोग भी सही टाइम का इंतजार कर रहे थे। अगर सेंथिल से कुछ नहीं होता तो मैं इस काम के लिए कुमार को पीछे लगाएगी, लेकिन मेरे को शंभू को भूरा और वेलू से बचाने का भी है। वाइट, शंभो, तेरा मदद करने आए हैं, अगर भरोसा है तो साथ चल। तुम मेरे साथ चलो, बाकी लोग इधर रुको। तू इधर ही रुक।
जा। तूने खुद को भूरा का दुश्मन काहे को बनाया? अगर कोई बस्ती वालों से पंगा लेगा ना तो अपन एक क्या 100 दुश्मन पाल लेगा, और भूरा ये बात जानता है। अगर ऐसा है तो उसने तेरे पर हमला काहे को करवाया? सुपारी काहे को दी तेरी? भूरा ने कुमार को बता दिया है कि सेंथिल पर तूने ही वार किया, अब सेंथिल तेरे को मरवा कर बस्ती पर फिर से अपना दबदबा बनाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती है कि तू सुरक्षित जगह जाके छुप जा। अपन को मौत से डर नहीं लगता, अपन लड़ेगा। ज्यादा बहादुर मत बन, बदले के वास्ते सिर्फ ताकत की नहीं दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, और तू बचेगा तभी तो बस्ती बचेगी। कभी उनके दिल से पूछो जिनका घर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां के तोड़ डालती है। अपन तो बस अपने बस्ती वालों के लिए लड़ रहे हैं, अपन को अपने जान का फिक्र नहीं है। अपन का जान तो बस्ती में बसा हुआ है, बस्ती टूटने नहीं देगा। मेरा मर्द भी ऐसा ही बोलता था, क्या हुआ उसका? उसका कुर्बानी फोकट नहीं जाएगा। एक राजन मरा तो दूसरा राजन बस्ती के लिए खड़ा हो जाएगा। कितनों को मारेगा वो? अपन लड़ने का, अपनी भलाई और हक के लिए लड़ना कुछ गलत बात नहीं है। तेरे को मालूम है ना वो लोग तेरे पीछे पड़े ले? तब का डालेंगे और क्या करेंगे? अगर अपन उनका डर से किधर कोपचे में जाके छुप जाएंगा तो अपने पे बुजदिली का ठप्पा लगेगा, और अपने को ये बात मंजूर नहीं है। अपन अगर मरेगा ना तो बस्ती में, ताकि लोगों को पता चले काई को मारा। तेरी बातें सुनकर मेरे को मेरे मरद की याद आती है, ऐसा इच डेरिंग बाज था। तेरे को मारने के वास्ते कुमार गुंडे लेके आ रहा है, वो तेरी जिंदगी का दिया बुझाना चाहता है। जीत छोड़ और आज रात के लिए किधर को छुप जा। आने दो उन लोग को, अब उन किधर नहीं जाएगा। छोटे बच्चे बूढ़े और औरतों को स्कूल में पहुंचा दिया है, अब बस्ती में सिर्फ हम जवान लोग ही बचे। तू भी स्कूल चला जा। जब तुम लोग सब यहाँ हो तो मुझे क्यों स्कूल भेज रहा है? अपन जैसा 100 आदमी इधर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तू अकेला पढ़ा लिखा है। अपन की लड़ाई को तू ही कोरट तक ले जाके इंसाफ दिला सकता है। बस्ती में रहेगा तो जान को डेंजर ज्यादा रहेगा। दुश्मन को माफ कर सकते हैं पर धोखेबाज को नहीं, छोड़ेगा नहीं उसको। भूल गया कि तूने अपन के भाई को धोखे से मारा था? भूरा के भाई को मार कर ही तूने ये खून खराबा शुरू किया। पहले उसने इसके दोस्त कलेश्वर को मारा, ऐसा करके उसने इसका सारा काला धंधा चौपट कर दिया। रुद्रा ये लड़ाई मत रोको। संभू से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? उसने ही जीजू का हुलिया बिगाड़ा है, तो निकल। तुम तीनों उधर जाओ जहाँ पे दीवार टूटेला है, और तुम लोग रोड साइड पे जाओ रे। ए, तू पद्मा के साथ रहने का, उसको सिक्योरिटी दे। कौन है रे? मैं हूँ भाई। अबे नाम बोल। चेक कर रहे पड़ोस का मोहल्ले में लाइट है क्या? पे बैठ के रावण वाला काम किया है, पर अपुन तेरी तरह पिच्छू से नहीं, अपुन सामने से वार करेगा। ए कुमार, उसकी बस्ती में मत जा यार, रुक जा कुमार। सेंथिल को काई को मारा ये तू नहीं जानता, ये आपसी खुन्नस नहीं है, बस्ती का मामला है। अपुन तेरे को नहीं मारेगा, चला जा इधर से, इसी में तेरी भलाई है। अबे डेढ़ पसले के झिंगूर, तू अपुन को धमकी दे रहा है? तेरी Yeah! God!
एक छोटा सा झिंगुर 6 फुट लड़की का चीख निकाल देता है। चल चल चलते रे। बुरा भाई मुझे लगता है यहाँ कोई झोल है। उसके लिए अब उनके आदमी और घोड़ा दोनों तैयार है। ए, चल रे रिक्शा साइड हटना, ट्रक दिख नहीं रही है क्या तेरे को? ए, निकल जल्दी, गलती मार। ए, क्या चेक चेक कर रहा है, निकल चल। अरे चल चल, धक्का मार धक्का मार, चल चल। ए, रुक रुक रुक, पीछे रे पीछे रे पीछे रे पीछे रे। चाहता तो ये बम तुम्हारी गाड़ी के बोनट पे भी फेंक सकता था, लेकिन अपुन ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अपुन के ऊपर तुम्हारा बहुत एहसान है। तो क्या करूं, जान की भीख मांगू? नहीं, बस अपन के रास्ते में नहीं आने का। अपुन की जिंदगी पे तुम्हारा बहुत एहसान है, उसी का कर्ज चुका दिया। लेकिन अब भी अगर पैसे का लालच में तुमने बस्ती के लोगों को बेचा या अपना वसब बनाने के लिए किसी दूसरे की जान लेने के बारे में सोचा ना, तो अपुन आएगा और अपुन अपने साथ बहुत बड़ा बवंडर लेके आएगा। ये हल्की सी आंधी है, तेरे औरत को ले जाएगी। तमंचा दे। गियर मार रहे। ओ चंद्रा के घर की चाबी है, उसने बोला था कि ये तेरे को दे दूं। शंभू, शंभू ने राजन की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया था और यहां से हुई उसके किंग बनने की शुरुआत। राजन के दुश्मन अब उसके दुश्मन बन गए और वो शंभू को मारने की चाल सोच रहे। शंभू भी खुशी खुशी बस्ती में उनका इंतजार कर रहा है।